हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं अभिषेक कुमार अकेला मैग्रेस जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी एन और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एन एग्जाम और ओलम्पेड एग्जाम्स के भी वो भी कंप्लीट हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन के साथ किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की कोई यहाँ पे आपको Uh, मैं कहूंगा सब्सक्रिप्शन फीस भी पे करने की जरूरत नहीं है हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वो भी मैग्नेट मैग्नेब्रस के प्लेटफॉर्म पे ही बस इसके साथ में आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा वो ये कि मैग्नेबिन के प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर ऑफ बुकलेट्स भी अवेलेबल है आप जिस भी क्लास में हैं आप यहाँ पर जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको यहाँ पे एक फॉर्म अवेलेबल है उस फॉर्म को आप फिलअप करिए और उसी के साथ में आपके जल्दी से जल्दी आपको पूरी मैग्रोब्रेन की टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको ये बुक्स ई बुक के रूप में रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी क्लियर है उसी बुक से एक सैम्पल पेपर मतलब मॉक टेस्ट पेपर नंबर फोर जो है ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो क्लास सेवन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वॉच कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर फोर एक बहुत प्यारा पेपर जो कि 80 मार्क्स का पेपर था मैं आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम 80 मार्क्स का ये पेपर है तीन घंटे आपको यहां पे दिए गए थे और इस पूरे पेपर को चार सेक्शन में डिवाइड किया था सेक्शन ए बी सी एंड डी जो पूरा सेक्शन ए है ये वन मार्क्स ईच क्वेश्चन है जो सेक्शन बी है ये फोर मार्क्स ईच क्वेश्चन है तो इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंटेनिंग फोर मार्क्स ईच और इसके अंदर कई सब पार्ट्स हैं तो हर एक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स हैं टोटल तीन क्वेश्चन है लेकर ट्वेंटी थ्री जो से लेके तक आपको देखने को मिलेंगे और लास्टली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर से लेकर ट्वेंटी नाइन तक सेक्शन डी दिखेगा जो कि हर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वेराइटी है पांच मार्क्स का एक क्वेश्चन टोटल एटी मार्क्स का पेपर और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये पेपर तीन घंटे के पहले ही सॉल्व कर दिया होगा यहाँ पे जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये एक सॉल्यूशन वीडियो है इस सैंपल पेपर का जो पहला सवाल था मतलब इस मॉक टेस्ट पेपर का जो पहला सवाल था वो कुछ इस प्रकार से था सिंपल सोबर इजी क्या बोल रहा है यहाँ पर 12% परसेंट ऑफ वन जीरो इज इक्वल टू बारह की बात की गई है 12% परसेंट का साइन रिमूव होगा तो 12 बाय हंड्रेड आता है परसेंट का साइन रिमूव होकर डिवाइड में हंड्रेड आता है ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लीकेशन और वन जीरो तो बस आपको ये सॉल्व करना था और आपको जवाब देना था तो यहाँ पे देखिएगा ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल आउट इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्वेल्व मल्टीप्लाइड विथ वन जीरो एट कर देते हैं जब ट्वेल्व को मैं वन जीरो एट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आपकी जो आ रही है टू इंटू एट सिक्सटीन आ रही है और दो सौ सोलह आठ जीरो और एक छः नौ दो और एक तो वन टू नाइन सिक्स वन टू नाइन सिक्स डिवाइडेड बाय टेन और इसकी वैल्यू आएगी वन टू नाइन पॉइंट सिक्स अब ये पॉइंट सिक्स मतलब डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया कुल मिला के क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दिए थे वो डेसिमल में दिए थे तो आप देखेंगे जो डी ऑप्शन है वो एकदम मैच कर रहा है One, two, आपको बारह परसेंट वन जीरो एट जीरो का निकालना था तो ट्वेल्व बाय हंड्रेड ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन वन जीरो एट जीरो और इस तरीके से हम जब चीजों को सॉल्व करेंगे तो वन टू नाइन पॉइंट सिक्स ये आपका जवाब यहां पर आ जाएगा क्लियर है सिंपल चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा था तो क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ फोर एक्स माइनस थ्री फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स का सॉल्यूशन बताइए दैट मीन्स ये एक इक्वेशन है इसमें माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है ये माइनस थ्री कॉन्स्टेंट के पास जाएगा तो वेरिएबल वाला टर्म यही रहेगा ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री और इसकी वैल्यू आएगी फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स की वैल्यू यहाँ पर है माइनस थ्री बाय फोर क्लियर है पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी तो यहां पे अगेन हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन आएगा अब यहां पे कंप्लीट तरीके से अगर आप ध्यान दें तो हमने ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज किया है क्लियर तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड है जो हमने यहाँ यूज किया है फोर के साथ एक्स मल्टीप्लीकेशन में था वो माइनस थ्री कॉन्स्टेंट वैल्यू थी ये माइनस थ्री जब दूसरे साइड पे गई है तो ये वहां जाके प्लस थ्री हो गई है क्लियर तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड है माइनस सिक्स प्लस थ्री ये आपने इंटीजर्स को सॉल्व करना सीखा है तो इंटीजर्स माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर तो यहां पे नंबर्स सब्ट्रैक्ट होंगे छह में से तीन गए तो बचेंगे तीन और बड़े नंबर के आगे जो साइन है नेगेटिव साइन वो यहां पर लगेगा तो इस प्रकार से फोर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन था ये यह फोर यहां पर गया तो ये डिवाइड में आया ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ देखिएगा मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल अब यहां पर देखिएगा द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री वर्ड सप्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल्स का सम जो है वो वन एट्टी डिग्री होगा क्लियर है तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वन एट्टी डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है नाइनटी डिग्री यहां पर कह रहा है द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री एंगल क्वल टू दप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि आप वो वाला एंगल बताइए द मेजर ऑफ द एंगल आप उस एंगल का मेजरमेंट बताइए ठीक है विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई की बात करता हूँ तो ये दो एंगल है एक्स इज द सप्लीमेंट्री ऑफ वाई एंड वाई इज द सप्लीमेंट ऑफ एक्स ये बोलने का तरीका होता है अब यहाँ पे ऐसे कौन से दो एंगल हैं जो आपस में इक्वल हैं वो अपने सप्लीमेंट्री के ही इक्वल है तो मैं कहूँगा यहाँ पर x शुड इक्वल्स टू x ये ऐसा बोल रहा है x प्लस एक्स शुड बी 180 एट्टी डिग्री तो दैट मीन्स 2x एक्स इज इक्वल्स टू वन और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 90 डिग्री तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे 90 डिग्री आपको दिया है डी ऑप्शन में क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो है आपका 90 डिग्री 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कि अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है ठीक है अब सप्लीमेंट किसको बोलते हैं तो x का सप्लीमेंट y है y का सप्लीमेंट x है और इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है दैट मीन्स 180 डिग्री इनका सम है चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू फ्रॉम वन टू फोर फाइव सिक्स इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की होने की संभावना को कैलकुलेट करना जब होने की संभावना मतलब किस चीज के होने की बात कर रहे हैं जैसे बारिश होने वाली है तो रेनिंग होने की बारिश होने की संभावना को कैलकुलेट करना मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हैं जब किसी चीज की होने की संभावना कितनी है उसको जब आप मैथमेटिकल टर्म्स में कैलकुलेट करना सीख जाते हैं वही टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी ठीक है और सेवंथ क्लास में बहुत बेसिक चीज आपको सिखाई गई थी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं तो एक दो तीन चार पांच टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं फाइव एंड आउट ऑफ फाइव कौन से इवेंट की बात हो रही है वो न्यूमरेटर में आएगा तो इवेंट की बात हो रही है टू टू वाला इवेंट इन पांच में से होने के चांसेस बताइए तो ये है आपका वन बाय फाइव टू नहीं वन बाय फाइव तो इसका जवाब है जो सेकंड इवेंट होने की बात हो रही है वो एक ही बार आ रहा है वहां पे तो टू जो है एक ही बार आ रहा है इन पांच इवेंट्स के अंदर तो हम कहेंगे वन बाय फाइव मेरा जवाब होगा मतलब कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारा जवाब है बी चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है अ ट्राइंगल हुज एरिया इज फोर्टी एंड बेस इज ट्वेल्व सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज इक्वल टू एक ट्राइंगल है जिसका एरिया फोर्टी यहाँ पे यूनिट होना चाहिए था फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर का है तो मैं बोल रहा हूं अगर ये एक ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का आपको बेस पता है बेस मतलब ये 12 सेंटीमीटर का बेस है और आपको इसका एरिया पता है ठीक है ये एरिया है एंड हाइट इज इक्वल टू आप बताइए इस ट्राइंगल में हाइट क्या होगी ये एच बताइए क्या होगा तो अगर आपने सीखा है सेवेंथ क्लास में कि भैया कोई भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में बेस इसको कहेंगे हाइट मतलब बेस से जो 90 डिग्री हाइट होती है तो इसको हम हाइट कहेंगे ठीक है और इसका एरिया आपको दिया हुआ है तो मैं कहूंगा कि ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेस बारह और हाइट आपसे है सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन सिंपल तो ये टू सिक्स हो जाएगा ट्वेल्व ये सिक्स फोर्टी के नीचे आएगा तो फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू एच और यहां पर टू थ्री टाइम्स सिक्स टू ट्वेंटी टाइम्स फोर्टी क्लियर है तो टू ट्वेंटी टाइम्स इज फोर्टी एंड टू थ्री इज सिक्स हाइट हमारी आ जाएगी ट्वेंटी बाई थ्री क्या सेंटीमीटर लेकिन यहां पे आप देखेंगे हमें डेसिमल में आंसर दिया हुआ है तो चलिए डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थ्री सिक्स टाइम्स होता है एटीन ठीक है पॉइंट अगेन टू तो थ्री सिक्स टाइम्स एटीन ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी तो हाइट जो है वो सिक्स पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर के आसपास आ रही है अप्रोक्सीमेटली तो मैं कहूँगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारा आंसर है डी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहे हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है तो अर्थमेटिक मीन मीन का मतलब होता है जब आप दिए हुए सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देते हैं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड विथ डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मीन कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका जो भी ऑब्जर्वेशन दिए उन सबका सम टोटल कर दीजिए और कितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए तो आप देख रहे हैं एक डाटा आपको दिया है डाटा दिया है जहाँ पे आपको कितनी ऑब्जर्वेशन दिए तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑब्जर्वेशन दिए तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे फाइव न्यूमरेटर में इन सबको ऐड कर देंगे तो फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी एट प्लस फिफ्टी ये हमने टोटल फाइव ऑब्जर्वेशन को एड कर रहे हैं के दिखा रहे हैं इधर देखिएगा फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव इज नाइन्टी ठीक है 90 प्लस फिफ्टी इज वन फोर्टी ठीक है तो देखिए फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव होता है 90 प्लस फिफ्टी होता है वन फोर्टी फिफ्टी सिक्स इस वन फोर्टी में एड कर देंगे तो ये आ जाएगा वन नाइनटी सिक्स फिफ्टी सिक्स की एंट्री भी हो गई और 196 में अगर मैं 48 को ऐड कर दूं तो 6 6 12 13 14 14 का चार कैरी वन दस और चार चौदह चौदह का चार कैरी वन टू फोर्टी फोर तो मैं कहूंगा यहां पे मेरा आंसर आएगा टू फोर्टी फोर अपॉन फाइव आंसर जो दिया है मीन जो दिया है वो डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में दिया है इसका मतलब फाइव से इसको डिवाइड कर दो तो फाइव एट टाइम्स सॉरी फाइव एट टाइम्स नहीं फाइव फोर टाइम्स इज ट्वेंटी बच्चा फोर फोर्टी फोर फाइव एट टाइम्स इज फोर्टी बच्चा फोर पॉइंट फोर्टी फाइव एट टाइम्स इज फोर्टी फोर्टी एट पॉइंट एट एट सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सथ में हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन डन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या कह रहा है देखिएगा वॉट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्र्ड इन फाइव इनिपल ऑफ रूपीज वन एट डबल फोर जीरो मिलेगा क्या सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड क्या सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जब टाइम चार साल का होगा टाइम आपको दिया है फोर इयर्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ आपको क्लियरली प्रिंसिपल भी बोल दिया है रुपीज वन एट डबल फोर जीरो प्रिंसिपल है एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट रेट कितना दिया है तो रेट दिया है फिफ्टीन परसेंट का रेट दिया है उठाइए तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आंसर आ जाएगा देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो मैं कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट होगा वन एट डबल फोर जीरो मल्टीप्लाइड विथ फिफ्टीन मल्टीप्लाइड विथ चार परसेंटेज का साइन रिमूव हुआ नीचे हंड्रेड आ गया क्लियर देखिएगा जीरो से ये जीरो गया फोर और ये टेन गया टू फाइव टाइम्स इज टेन टू टू टाइम्स इज फोर और इस फाइव से ये फिफ्टीन गया, से फिफ्टीन गया फाइव थ्री टाइम्स दैट सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होकर आ गया वन एट डबल फोर मल्टीप्लाइड विथ सिक्स थ्री इंटू टू इलियर है अब इन दोनों को सोल्व कर दीजिए तो इसको सोल्व करने पर आंसर आ रहा है रुपीज कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये मिल रहा है आपको सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स टू सिक्स इंटू एट इज फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फाइव सिक्स वन टाइम्स इज सिक्स प्लस फोर इज टेन एंड इलेवन तो आपको ग्यारह हजार चौसठ रुपए सिक्सटी फोर रुपीज ये है आपका बी ऑप्शन कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला तो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है डबल वन जीरो सिक्स फोर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारे सामने सॉल्व मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th को देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है हमारा द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द वरुण एंड कपिल इज 42 ईयर आज की जो एज है वरुण और कपिल की उन एजेस का जब मैं सम कर दूंगा तो आंसर 42 आएगा ये ऐसा बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद उनकी जो एजेस का रेशियो है वो रेशियो फिफ्टीन इज टू इलेवन है ठीक है वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द कपिल कपिल की आज की एज बताइए ये बहुत प्यारा सवाल अच्छा सवाल है वन मार्क्स में दिया है देखना ये बोल रहा है हम ऐसा बोल देते हैं लेट द प्रेजेंट एज लेट प्रेजेंट ऑफ वरुण इज इक्वल्स टू ठीक है तो हम प्रेजेंट एज को कितना मान ले वरुण की प्रेजेंट एज को अगर मैं मान लेता हूं एक्स इयर्स डन और फिर ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कपिल तो यहाँ पे देखो मैं अभी दो वेरिएबल ले लेता हूँ मुझे ना वरुण की एज पता है ना कपिल की एज पता है मैं बोल लेता हूं यहां पे वाई इयर्स जो है वो कपिल की एज है वो कह रहा है जब दोनों की एज प्रेजेंट एज को हम ऐड कर रहे हैं तो ये फोर्टी टू ईयर्स आ रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर वरुण की प्रेजेंट एज एक्स है ठीक है अभी हमने दो अलग अलग वेरिएबल लिए हैं जबकि दो वेरिएबल लेके कभी मत सॉल्व करना अगर वरुण की प्रेजेंट एज एक्स है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो कपिल होगा कपिल की प्रेजेंट एज होगी कितनी ये x 42 टू के पास ले जाओ तो y की वैल्यू आएगी 42 टू माइनस एक्स तो y क्या था y बेसिकली y हमने क्या लिया था कपिल की एज को लिया था तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y की जगह पे मैं 42 टू माइनस एक्स लिख देता हूं तो ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा था कि हम इसको लिख सकते हैं फोर्टी टू माइनस एक्स इयर्स क्लियर है तो यहां पर हमने क्या किया हमने कुल मिला के यहां पर वरुण की एज को एक्स माना कपिल की प्रेजेंट एज को 42 टू माइनस एक्स ईयर्स माना आगे बोल रहे हैं पांच साल के बाद तो ऑफ्टर फाइव ईयर्स ऑफ्टर फाइव ईयर्स क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जो वरुण की एज होगी वरुण एज विल बी एक्स प्लस फाइव भाई अगर वरुण आज x ईयर्स का है तो पांच साल के बाद वो x प्लस फाइव होगा क्लियर ऐसे ही अगर मैं कपिल की बात करूं तो कपिल एज विल बी क्या होगी तो कपिल की एज हो जाएगी 42 टू माइनस एक्स आज है और प्लस फाइव पांच साल और बढ़ जाएगी क्लियर है तो पांच साल के बाद ये दोनों की एज होगी आगे देखिएगा ये कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर फाइव ईयर विल बी फिफ्टीन इस टू इलेवन वो कह रहे हैं कि अगर मैं वरुण और कपिल का रेशियो निकालू पांच साल के बाद तो x प्लस फाइव अपॉन फोर्टी टू माइनस एक्स प्लस फाइव ये रेशियो अगर निकालू तो ये रेशियो निकल के आ रहा है फिफ्टीन बाई इलेवन का ऐसा ये बोल रहा है इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो आप बताइए वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ कपिल कपिल की प्रेजेंट एज एक्स निकालिए फोर्टी टू माइनस एक्स कर दीजिए आपका कपिल की एज आ जाएगी एक्स कहां से निकलेगा तो एक्स यहां से निकलेगा डन कैसे निकलेगा इसको देखना ये आएगा एक्स प्लस फाइव न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में हो जाएगा फोर्टी टू प्लस फाइव इज फोर्टी सेवन माइनस एक्स विच इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई इलेवन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इलेवन एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्टी सेवन माइनस एक्स क्लियर ये हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इलेवन एक्स प्लस फिफ्टी फाइव विच इज़ इक्वल्स टू फिफ्टीन इंटू फोर्टी सेवन तो फोर्टी सेवन में जब फिफ्टीन का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो फाइव इंटू सेवन इज थर्टी फाइव फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी प्लस थ्री इज ट्वेंटी थ्री क्रॉस सेवन फोर तो ये आ गया पाँच दस दस का जीरो कैरी वन पाँच छः सात सात सौ पाँच तो ये आ गया सात सौ पाँच माइनस फिफ्टीन एक्स इस तरीके से फाइनली हमने ये कर लिया है सॉल्व ठीक है आगे देखना इलेवन एक्स ये माइनस फिफ्टीन एक्स यहाँ आएगा तो इलेवन एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स विच इज इक्वल्स टू सात सौ पांच में से हम माइनस कर देंगे पचपन को तो ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू जीरो दस में से पांच गए तो पांच सिक्स फिफ्टी क्लियर और एक्स की वैल्यू आ रही है छ सौ पचास डिवाइडेड विथ ट्वेंटी सिक्स क्लियर है अब देखिएगा 26 सिक्स इंटू अगर मैं फाइव करता हूँ एक काम करते हैं एक एक करके कैंसिल करते हैं टू से कैंसिल कर लेते हैं पहले तो टू वन टाइम्स टू टू थ्री टाइम्स सिक्स टू थ्री टाइम्स सिक्स टू टू टाइम्स फोर टू फाइव टाइम्स टेन और थर्टीन इंटू फाइव अगर मैं करता हूँ तो फ़ायदा नहीं मिलेगा थर्टीन के टेबल से ही जा रहा है कि थर्टीन टू टाइम्स ट्वेंटी सिक्स थर्टीन थ्री टाइम्स थर्टीन नाइन तो यहाँ पे थर्टीन टू टाइम्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन टू टाइम्स ट्वेंटी सिक्स और थर्टी टू में से ट्वेंटी फाइव तो एक्स तो की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी फाइव ईयरस क्लियर है तो अब फाइनली हम आ जाते हैं हमसे किसकी एज पूछी थी तो हमसे कपिल की एज पूछी थी कपिल की एज है आपकी फोर्टी टू में से ट्वेंटी फाइव हटा दीजिए तो चलिए फोर्टी टू में से अगर मैं ट्वेंटी फाइव हटाता हूँ तो बारह में से पाँच गए ये आया सात और ये आया सत्रह तो कुल मिला के सत्रह साल का है कपिल हमारा आंसर है ए ऑप्शन देखिएगा अच्छा सवाल था एक मार्क्स में आपको दिया था मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कम से कम तीन मार्क्स में आना चाहिए था कोई बात नहीं एक आधा सवाल ऐसा कभी ना कभी आ जाता है ठीक है आता है ऐसा आपको जानबूझ के डराने के लिए शुरुआत के ही दस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा डाल देंगे कि आप लोग डर जाए तो डरने का नहीं है यहाँ पे आप लोगों ने तैयारी की है मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी ये मैं विश्वास करता हूँ और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर आएंगे आराम से क्लियर है मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा येस या नो डन चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अ रेलिंग ऑफ 288 मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग अ सेमी सर्कुलर पार्क सेमी सर्कुलर पार्क का मतलब है एक पार्क है जिसका शेप सेमी सर्कुलर है मतलब आधा सर्कुलर है इसकी मुझे बाउंड्री बनानी है और इस बाउंड्री बनाने के लिए मेरे पास 288 मीटर की रेलिंग है ठीक है मतलब चाहिए अ रेलिंग ऑफ 288 मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग अ सेमी सर्कुलर पार्क फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क आप बताइए इस पार्क का एरिया कितना होगा ये आपके सामने सवाल है तो देखिएगा अब यहाँ पर अगर मुझे इस पार्क की फेंसिंग करनी है और फेंसिंग के लिए उन्होंने कहा है 288 मीटर इज रिक्वायर्ड दैट मींस वो मुझे इस सेमी सर्कुलर पार्क का पेरीमीटर बता रहे हैं क्या होगा तो पैरीमीटर मुझे पता चल गया पैरीमीटर कितना होगा तो इसका पैरीमीटर होगा देखो आधी बाउंड्री मतलब टू पाई आर डिवाइडेड बाई टू मतलब पाई आर देखो हमें पता है एक सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होता है वो टू पाई आर होता है टू पाई आर सेमी सर्कल में पाई आर हो जाएगा और नीचे वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम डायामीटर बोलते हैं तो यहां पे मैं कर देता हूं प्लस टू आर ऐसा कर लेते हैं ठीक है अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है ये हमसे कह रहा है कि 288 मीटर का पेरीमीटर है तो 288 एट्टी एट इज इक्वल्स टू आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 22 टू बाई सेवन प्लस टू इसको सॉल्व कर दीजिए आपको एक रेडियस मिलेगा आर मिल जाएगा चलिए देखिएगा आर पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो 288 एट इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर ट्वेंटी टू प्लस फोर्टीन अपॉन सेवन सर ये क्या किया तो ये मैंने एलसीएम लिया सेवन और वन का एलसीएम लिया ट्वेंटी टू प्लस फोर्टीन कितना होता है तो ये होगा टू एटी एट इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा फोर प्लस टू इज सिक्स एंड थर्टी सिक्स बाय सेवन ठीक है आर की वैल्यू कितनी आएगी तो आर की वैल्यू हमारी आ रही है वेयर आर इज इक्वल्स टू वेयर आर इज इक्वल्स टू 288 एट मल्टीप्लाइड विद सेवन अपॉन थर्टी ये क्या किया मैंने तो कुल मिला के मैं सेवन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 36 नीचे आ गया देखिएगा टू वन टाइम्स टू टू एट टाइम्स सिक्सटीन टू वन टाइम्स टू टू फोर टाइम्स एट टू फोर टाइम्स एट टू नाइन टाइम्स एटीन ठीक है और यहां पे आ जाएगा टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू टू टाइम्स फोर नाइन के टेबल में एट टाइम्स होता है सेवनटी टू तो ये हमने एट किया और सेवन इंटू एट होता है फिफ्टी सिक्स तो देखिए रेडियस हमारा आया है फिफ्टी सिक्स और यूनिट आएगा मीटर ठीक है अब जब रेडियस आपका आ गया फिफ्टी सिक्स मीटर तो आप एक काम करिए अब आप आराम से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो एरिया कैलकुलेट कर लीजिए देखिए एरिया ऑफ सर्कल अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाईआर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अगर सर्कल का मैं हाफ कर दूं तो इस केस में फॉर्मूला बनता है पाईआर स्क्वायर बाई टू डन उठाइए वैल्यूज यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए तो देखा मल्टीप्लाइड 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 क्लियर है तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को कर देंगे सॉल्व डन अब देखिए सेवन एट टाइम्स होता है फिफ्टी सिक्स तो सेवन एट टाइम्स होगा फिफ्टी सिक्स टू से 56 छोटा कर दूं तो ये आ जाएगा आपका टू टू टाइम्स इज फोर टू एट टाइम्स इज सिक्सटीन तो फाइनली आपका जो एरिया कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 22 टू मल्टीप्लाइड विध एट मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी क्लियर है अब देखिएगा मैं ओरल आंसर दे सकता हूं कैसे ओरल आंसर दे सकता हूं तो यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस यहाँ पे देखिए सबकी यूनिट प्लेस डिफरेंट है तो आपका आंसर आ जाएगा पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में एक ये बहुत अच्छी चीज है मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ सेवंथ क्लास के अंदर हायर क्लासेस में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करेंगे तो वहां पे भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं गवर्नमेंट का कभी एग्जाम देंगे या कभी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो जब भी एमसीक्यू सी वेराइटी आएगी तो आप क्या करिएगा इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप तो सिर्फ यूनिट प्लेस देखो एट डिफरेंट है तो आप इनके सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो देखो मैं क्या बोल रहा हूं टू इंटू एट होता है 16, और इंटू इसका यूनिट प्लेस है एट तो सिक्स इंटू एट इज फोर्टी एट यूनिट प्लेस अगेन एट आएगी एट वाला है ए आंसर देखिएगा यूनिट प्लेस इज एट मैंने मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने सिर्फ यूनिट प्लेस के मल्टीप्लीकेशन से आंसर दे दिया क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हो गया है यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या कह रहा है तो ये कह रहा है जो फिगर आपके सामने है इसमें एक्स की वैल्यू बताइए तो जो फिगर आपके सामने है इसमें एक्स की वैल्यू बताइए ठीक है हम एक काम करते हैं तो यहाँ पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाते हैं यूजिंग लीनियर पेयर कंसेप्ट अगर मैं लीनियर पेयर कंसेप्ट की बात करूं तो यहां पे 30 डिग्री जब ऐड होगा किसके साथ 2x एक्स प्लस डिग्री के साथ तो ये वैल्यू आएगी 180 डिग्री कहां से आई है देखो यहां पे इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन है ना और ये लाइन जो है ये इस पे स्टैंडिंग पोजीशन में तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगेगा दोनों एंगल्स दिए हुए आपको इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो दोनों का सम 180 डिग्री सिंपल सॉल्व कर दो देखो 30 प्लस टू एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल्स टू वन एटी थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी उधर गया तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सेवेंटी विच इज़ इक्वल्स टू वन ये सेवेंटी उधर जाएगा तो टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन एट्टी माइनस सेवेंटी और टू एक्स की फाइनली वैल्यू आएगी वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री एक्स की वैल्यू आएगी एक सौ दस डिवाइडेड बाई टू टू फाइव टाइम्स इज टेन टू फाइव टाइम्स इज़ टेन तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है फिफ्टी फाइव एक्स की वैल्यू आ रही है फिफ्टी फाइव तो इन द एडजेसेंट फिगर द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू बताइए मैंने कुछ गलती की है यस yes. हमने कहा गलती की है ये माइनस फोर्टी था हमने प्लस फोर्टी लेकर सॉल्व किया है देखो इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं आप ये गलती मत करके आइएगा क्लियर है ये दिया है टू एक्स माइनस फोर्टी ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा थर्टी प्लस टू एक्स माइनस फोर्टी और 30 माइनस फोर्टी विल गिव यू माइनस टेन तो 2x एक्स माइनस टेन विच इज इक्वन एटी और यहाँ ये हो जाएगा 2x एक्स इज इक्व टू वन एट्टी प्लस टेन और ये आपका आ जाएगा 2x की वैल्यू 190 डिग्री और 190 डिग्री का मतलब है x की वैल्यू 190 नाइन्टी डिवाइडेड बाई टू तो 2 9 टाइम्स 18 टू फाइव टाइम्स इज टेन 95 आंसर आएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहां पे आंसर डी क्वेश्चन नंबर 10th में आंसर डी आपका आ गया मूव करते हैं 10th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ व्हिच ऑफ दी लेटर हैज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपके सामने लेटर लिखे एक लेटर लिखा है ए एक लेटर लिखा है बी ठीक है एक लेटर लिखा है आपके सामने सी एक लेटर लिखा है आपके सामने ओ और एक लेटर आपके सामने लिखा है एन यह आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा लेटर है जिसमें जिसमेंटल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से लेटर में दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है हॉरिजोनटल भी और वर्टिकल भी तो आप देखिएगा यहां पे वर्टिकल तो दिख रही है ठीक है बट हॉरिजोंटल सिमेट्री नहीं है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दिख रही है बट वर्टिकल नहीं है ठीक है यहां पे अगेन हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दिख रही है बट वर्टिकल नहीं है ओ में अगर मैं देखूं तो एक हमें वर्टिकल भी दिख रही है एक हमें हॉरिजॉन्टल भी दिख रही है डन एन लेटर अगर हम देखते हैं तो इसमें ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है डन तो मेरा आंसर है ओ यहां पे क्या था विच ऑफ दैटर एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो बी में सिर्फ बन रहा था वर्टिकल नहीं बन रहा था एन में तो एक भी नहीं था ठीक है ए और सी में तो कुछ भी नहीं था ए और सी में मतलब इसमें भी वर्टिकल था इसमें हॉरिजोंटल था तो सिर्फ ओ एक ऐसा लेटर है जिसमें इंफेनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती है वर्टिकल और हमें नजर आ रही है तो ओ हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ कट डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अब हम आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे अभी भी हमें आधा घंटा नहीं हुआ है आधा घंटा अभी भी हमारा बचा हुआ है है ना मतलब आधे घंटे में कुछ मिनट्स बचे होंगे मेरे ख्याल से यहाँ हो गया होगा थर्टी मिनट्स हो गए होंगे तो हम ऐसा बोलते हैं हमने थर्टी मिनट्स में सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया अब हम आ गए सेक्शन बी पे सेक्शन बी क्या कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में चार सब पार्ट है हर एक सब पार्ट वन मार्क्स का है ठीक है है तो ये कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में चार सब पार्ट आने वाले हैं देखना Find 30 of 550, ये कह रहा है 30%, percent का साइन रिमूव मल्टीप्लीकेशन तो थर्टी परसेंट ऑफ फाइव फिफ्टी ऐसा ये बोल रहा है एडेड विथ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी बाई हंड्रेड ऑफ टू हंड्रेड ये ऐसा बोल रहा है इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा देखो ये जीरो से ये जीरो गया ये जीरो से ये जीरो गया इंटू फिफ्टी फाइवी फाइव क्लियर है प्लस यहां पे दो जीरो से ये दो जीरो गए तो यहां पे आ गया फोर्टी और आपका आंसर आ जाएगा फाइव टेन दो सौ पांच ये आपका आंसर है क्लियर है तो ये जो आपको बोला सॉल्व करने के लिए ये तीन स्टेटमेंट में वन मार्क्स में इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो है 205 165 205 165 एडेड विथ 40 विल गिव यू 205 चलिए क्वेश्चन नंबर 12th का सेकेंड पार्ट देखिएगा फाइंड द मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो तो तीन चीजें आपने पढ़ी हैं मीन मीडियन मोड मोड का मतलब होता है दिए हुए डाटा में कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम दिख रही है ठीक है आप सबसे पहले इसको अरेंज करिए देखिए सबसे छोटा नंबर 11 दिख रहा है 11 से छोटा और कुछ नहीं है तो मैं अरेंज कर लेता हूँ 11 कितने 11 हैं तो वन ही 11 है ये मैंने टिक कर लिया 11 के बाद मुझे दिख रहा है 12, 12, तो ये दो 12, फिर उसके बाद अगेन यहां पे फिर एक थर्ड 12 दिख रहा है ठीक है फिर मुझे दिख रहा है थर्टीन तो ये रहा थर्टीन फिर ये वाला थर्टीन अगेन और कोई थर्टीन मुझे नहीं दिख रहा फिर मुझे दिख रहा है फोर्टीन तो ये रहा 14 अगेन फोर्टीन दिखा ठीक है फिर फोर्टीन ये दिखा तो फोर्टीन और फिर मुझे कोई फोर्टीन नहीं दिख रहा फिफ्टीन तो यस मुझे फिफ्टीन दिख रहा है ये रहा फिफ्टीन फिफ्टीन और कहीं नहीं है फिर है हमारा सिक्सटीन दो बार तो 16, 16, 16, तीन बार ये वाला सिक्सटीन और एक और है फोर्थ ये रहा सिक्सटीन ठीक है और फिर है आपका एटीन तो ये 16 के बाद 18 18 की कहीं और एंट्री नहीं है और देन 19 देखिएगा हमने क्या किया सबसे पहले हमने अरेंज कर दिया डाटा को कितने नंबर्स कितने थे तो की क्या आपने एंट्री की है क्रॉस चेक जू करना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोरवेशन की हमने एंट्री की है अब कौन सी वो ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा दिख रही है वो मोड है ठीक है तो यहां पर देखिएगा ये ऑब्जर्वेशन थ्री टाइम्स दिख रही है ये ऑब्जर्वेशन टू टाइम्स दिख रही है ये ऑब्जर्वेशन अगेन थ्री टाइम्स दिख रही है ये वन टाइम्स है ये ऑब्जर्वेशन मुझे फोर टाइम्स दिख रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा तो मैं कहूंगा ये मोड है क्या है मोड 16 इज द मोड फाइंड द मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो तो मैं कहूंगा 16 इज द मोड वन मार्क्स पक्के क्लियर है डाटा को अरेंज करिए अरेंज करने के बाद मोड बता दीजिए वैसे आपको मोड बनाने के लिए टेबल सिखाया गया तो टेबल से करना टेबल में आपको सिखाया गया था कि भाई आप वेरिएट्स लिख लो 11 लिख लिया 12 लिख लिया 13 लिख लिया 14 लिख लिया 15 लिख लिया ठीक है 16 लिख लिया 17 नहीं है 18 हो गया और फिर 19 हो गया तो यहाँ पर 19 लिख लो और इसके सामने आपको सिखाया गया था इलेवन कितनी बार दिख रहा है तो वन टाइम ट्वेल्व कितनी बार दिख रहा है तो टेली मार्क्स से आपको सिखाया गया था मैंने अभी वो तरीका यहाँ पे यूज नहीं किया था रीजन इज बींग हमें टाइम भी सेव करना है क्लियर है तो इस प्रकार से वन मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का थर्ड पार्ट बोर्ड कर लेते हैं क्लियर ये देखिएगा ये आपका आया है पावर्स इन एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म न्यूटेशन फॉर्म उसमें से एक क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं देखना जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में चीज सिखाई है कि हमेशा बेस शुड बी अ प्राइम नंबर अगर ये चीज आपको याद हो गई तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करना देखो टू इज द प्राइम नंबर बेस प्राइम नंबर है यस मल्टीप्लाइड विथ 81 प्राइम नहीं है तो 81 को प्राइम बनाने के लिए हम थ्री रेस्ट पावर ऑफ फोर लिख सकते हैं थ्री रेस्टू ऑफ फोर का मतलब होता है 81, तो 3 वन तो थ्री रेस्टू ऑफ फोर और 81 की पावर में थ्री है क्लियर मल्टीप्लाइड विथ टू टू फाइव टू टू फाइव के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो फाइव दिखेगा आपको यहाँ पे देखो फाइव फोर टाइम्स इज ट्वेंटी फाइव फाइव टाइम्स इज ट्वेंटी फाइव थ्री नाइन सॉरी फाइव नाइन टाइम्स फोर्टी फाइव एंड थ्री थ्री टाइम्स तो ये हो जाएगा आपका फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थ्री का स्क्वायर विल गिव यू टू टू फाइव जिसके पावर में होल स्क्वायर है तो आपको क्या करना आपको बेस को जो है वो प्राइम नंबर्स बनाने हैं तो आपको यहाँ मैंने फैक्टर्स निकालने सिखाए थे फैक्टर्स निकालिए बेस को कन्वर्ट करिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका वीडियो जो वॉच करना थ्योरी लेक्चर आप सेवेंथ क्लास की वॉच करिए करिएट्थ क्लास का लॉज एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो चैप्टर है लॉज ऑफ पावर्स पावर्स एंड एक्सपोनेंट एक चैप्टर है आपके एट्थ क्लास में तो सेवंथ के स्टूडेंट्स को मैं ये सजेशन दूंगा कि आप एट्थ की भी वो वीडियो देखिए क्लियर तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा ये जो सवाल है ये वहीं से हमने पिक किया देखो 15 का स्क्वायर मतलब थ्री इंटू फाइव इस फिफ्टीन ये होल स्क्वायर क्लियर मल्टीप्लाइड विथ थ्री स्क्वायर होल में लिखा हुआ है स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ टू का स्क्वायर और होल में लिखा हुआ है अगेन स्क्वायर अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी टू रेस टू द पावर ऑफ सिक्स मल्टीप्लाइड विथ थ्री रेस टू दावर ऑफ थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व मल्टीप्लाइड विथ फाइव रेस टू द पावर ऑफ टू इंटू टू इज फोर मल्टीप्लाइड विथ थ्री रेस टू दावर ऑफ फोर अपॉन थ्री रेस टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाइड विदर ऑफ टू ब्रैकेट ओपन करता जा रहा हूं थ्री रेस टू दावर ऑफ फोर मल्टीप्लाइड विथ टू रेस टू द पावर ऑफ फोर कौन से फॉर्मूले का यूज किया है सर तो जो लॉ मैंने यहां यूज किया है वो लॉ है ए रेज टू दावर ऑफ एम होल रेस टू दावर ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू दावर ऑफ एम इन टू एन ये लॉ यूज किया है एक और लॉ यूज किया है वो यूज किया है मैंने ए इंटू बी होल रेस टू दावर ऑफ एम इज इक्वल टू ए रेस टू दावर ऑफ एम इन बी रेस टू दावर ऑफ एम ब्रैकेट ऐसे ही ओपन किया है क्लियर है तो ये हमने दो लॉस का यहाँ पे इस स्टेप में यूज किया अब मैं चीजों को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहा हूँ मतलब एक के नीचे एक जो सिमिलर बेस है उनको अलग कर रहा हूँ देखिएगा टू रेस टू द पावर ऑफ सिक्स के नीचे

हमने चीजों को सेपरेट कर दिया अब हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे लॉ कौन सा लगाएंगे तो लॉ हम लगा रहे हैं टू पावर ऑफ एम होल रेस टू दावर ए रेस टू पावर इज टू ए रेस्ट टू दावर ऑफ एम माइनस एन ये यूज किया हमने क्लियर है दूसरा एक लॉ और हम यूज कर रहे हैं ए रेस टू दावर ऑफ एम मल्टीप्लाइड विद ए रेस टू पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेस टू दावर ऑफ एम प्लस एन तो ये दो लॉस हम इस स्टेप में जब यूज करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा देखिएगा ये एक स्टेप है ये एक स्टेप है ये एक स्टेप है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा टू रेस टू द पावर ऑफ सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाइड विथ थ्री रेज टू दावर ऑफ ट्वेल्व प्लस फोर माइनस टू माइनस फोर मल्टीप्लाइड विथ फाइव रेस टू द पावर ऑफ फोर माइनस टू इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी टू रेज टू ऑफ दू मल्टीप्लाइड विद विद्री रेज टू दावर ऑफ ट्वेल्व प्लस इज सिक्स माइनस एट इज एट मल्टीप्लाइड रेज टू विदर ऑफ टू क्लियर है तो ये आपको सिंप्लीफाई करना था सिंप्लीफाई कर दिया इसका आंसर अगर देना है तो डेफिनेटली आप आंसर भी दे सकते हैं आंसर हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड विथ थ्री इंटू थ्री इज नाइन तो नाइन का देखो थ्री की पावर में एट है ना तो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और यहाँ पर नाइन की पावर में आ जाएगा फोर तो मतलब एट्टी वन की पावर में आ जाएगा स्क्वायर तो एट्टी वन इंटू एटी वन मतलब होता है ये आपका एट वन टाइम्स इज एट एंड एट एट टाइम्स इज सिक्सटी फोर तो वन सोलह पाँच छ पाँच छ एक छः पाँच छः एक इसको सॉल्व करिए मुझे आप आंसर बता दीजिए वैसे तो मैं कहूँगा पावर नोटेशन फॉर्म में आंसर छोड़ दीजिएगा पूरी चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्लियर सिंप्लीफाई बोला अगर आंसर देना है तो दे दीजिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आप जवाब भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं फोर इंटू फाइव होता है ट्वेंटी जीरो टू फोर इंटू टू इज एट नाइन टेन हंड्रेड हंड्रेड मल्टीप्लाइड विद सिक्स फाइव सिक्स वन या आंसर आ जाएगा सिक्स फाइव सिक्स वन डबल ज़ीरो देखिएगा ये आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना आपने आंसर ये भी दिया ठीक है ये भी देंगे ठीक है क्लियर तो इस प्रकार से हमने चीजें कर ली हैं वन मार्क्स के लिए सॉल्व इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा एक्सप्रेस 729 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 729 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे क्लियर है थ्री इसका फैक्टर दिख रहा है

तो यहाँ पे 729 के लिए हम लिखेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री एक दो तीन चार पाँच छ तो यहाँ पे एक सिक्स और आएगा पावर नोटेशन फॉर्म कहता है 729 ट्वेंटी नाइन थ्री की पावर में सिक्स ये आपका जवाब है क्लियर है तो थ्री रेस टू दावर ऑफ सिक्स इज सेवन ट्वेंटी नाइन इस तरीके से आपने फाइनली यहां तक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ कर लिया है सेक्शन बी में सॉल्व हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ ये फ्लिंग ब्लैंक्स है अगेन चार पार्ट दिख रहे हैं यहां पर वन वन मार्क्स का एक पार्ट डन चलिए देखिएगा तो यहां पे हम क्या कहेंगे टू वन बाई टू प्लस फोर वन बाय टू प्लस टू फाइव बाई सिक्स डिवाइडेड वन बाय सिक्स बोर्ड मार्स रूल क्या कहता है तो बोर्ड मार्स रूल कहता है कि पहले डिवाइड वाला और ब्रैकेट ओपन करिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं देखना टू फाइव मतलब क्या है तो ट्वेल्व प्लस इज सेवनटीन सेवनटीन बाई सिक्स डिवाइडेड विथ वन बाई सिक्स ये आंसर आएगा सेवनटीन बाई सिक्स मल्टीप्लाइड विथ सिक्स बाय वन तो सिक्स कट गया यहाँ पे बचा अकेला सेवनटीन सत्रह बच रहा है तो इस ब्रैकेट का मतलब है सत्रह सेवेंटीन चलिए देखिएगा अब हम क्या करेंगे तो टू वन बाई टू प्लस फोर वन बाई टू प्लस सेवनटीन इसको हम ऐड करेंगे तो देखिएगा टू प्लस फोर प्लस सेवनटीन होल पार्ट्स को मैं ऐड कर दूंगा और फ्रैक्शनल पार्ट्स को ऐड कर दूंगा तो वन बाय टू प्लस वन बाय टू ये आपका हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन का थ्री कैरी वन ट्वेंटी थ्री प्लस वन तो ये आंसर आएगा ट्वेंटी फोर फाइनली फर्स्ट पार्ट में आंसर आ रहा है ट्वेंटी फोर यह था इसको तरीका सॉल्व करने का तो हमने क्या किया हमने होल पार्ट्स को ऐड किया हमने फ्रैक्शनल पार्ट्स को ऐड किया ऐड करने के बाद हमें आंसर ट्वेंटी फोर मिला फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है यहाँ पर सॉल्व मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सेकेंड पार्ट सिक्सटीन वन बाई थ्री डिवाइडेड विथ टू फोर बाय नाइन मिक्स फ्रैक्शन दिया है पहले कन्वर्ट करिए किसमें इम प्रॉपर फ्रैक्शन में तो सिक्सटीन इंटू थ्री इज वॉट तो ये हो जाएगा आपका एटीन फोर्टी एट ठीक है तो फोर्टी एट प्लस वन इज फोर्टी नाइन बाई थ्री डिवाइडेड विथ तो तो ये आ 22 by 9, इसको solve करेंगे तो ये आ आ जाएगा जाएगा इसको करेंगे ठीक है थ्री और ट्वेंटी टू कटता हुआ नहीं दिख रहा ट्वेंटी टू से फोर्टी नाइन कटता हुआ नहीं दिख रहा हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा थ्री इंटू नाइन इज ट्वेंटी सेवन टू थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वन फोर्टी सेवन अपॉन ट्वेंटी टू क्लियर है तो यहाँ पे अब क्योंकि मिक्सड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो आपका आंसर भी मिक्सड फ्रैक्शन में होना चाहिए तो इधर देखना 147 को 22 से डिवाइड कर दीजिए तो 22 टू थ्री टाइम्स इज सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी टू फाइव टाइम्स इज फाइव इंटू टू इज टेन तो ट्वेंटी टू इंटू सिक्स कर दीजिए सिक्स इंटू ट्वेल्व सिक्स इंटू ट्वेल्व एंड थर्टीन वन थर्टी टू ट्वेंटी टू इंटू सेवन सेवन इंटू टू इज़ फोर्टीन फोटीन और वन फिफ्टी फोर ज़्यादा हो रहा है तो ट्वेंटी टू सिक्स टाइम्स ये हो जाएगा वन थर्टी टू कुल मिला के यहाँ पर आप देखिएगा ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद सात में से दो गए तो ये बच्चा आपका पाँच क्लियर है तो सात में से दो गए बचा पाँच चार में से तीन गए बचा एक पंद्रह तो यहां पे कुल मिला के हमारा जो जवाब आएगा रिमाइंडर 15 है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 15 बाय 15 बाय 22 और इसके सामने हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मतलब सिक्स तो मेरे हिसाब से सेकेंड पार्ट का आंसर क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में था क्वेश्चन तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आना चाहिए डन है चलिए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट कह रहा है ट्वेंटी फाइव वन बाई टू परसेंट ऑफ फोर एट्टी ट्वेंटी फाइव वन बाई टू परसेंट ऑफ ऑफ फोर एट्टी का मतलब क्या होगा तो इसका मतलब होगा टू इंटू ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी फिफ्टी प्लस वन इज फिफ्टी वन बाई टू परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में हंड्रेड मतलब वन अपॉन हंड्रेड आ जाएगा तो अपॉन में हंड्रेड का मतलब वो सामने जाएगा तो वन बाय हंड्रेड हो जाएगा ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन फोर ये है इस स्टेटमेंट का मतलब इसके आगे है minus, minus 25 percent. इसका मतलब माइनस ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड क्लियर तो इस पूरे के आगे माइनस में लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फिफ्टी इसको सोल्व कर दीजिए आपको आंसर मिलेगा देखिएगा ये है जीरो से जीरो गया खत्म टू से ये फोर्टी एट गया तो टू टू टाइम्स फोर टू फोर टाइम्स इज एट और यहां पर हम फिफ्टी वन को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिफ्टी वन जब ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी क्रॉस टू वन टाइम्स इज टू टू फाइव टाइम्स इज टेन तो फोर टू टू वन तो ये हो जाएगा वन टू टू पॉइंट फोर इस पूरे की वैल्यू माइनस इस जीरो से ये जीरो गया और यहां पर ये जाएगा किससे तो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव कर दीजिए और ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव करूंगा तो फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव कर रहा हूँ तो फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव और ये वन ट्वेंटी फाइव अपॉन में टेन मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्लियर है अभी 122 में से 122.4 में से हम 12.5 को अगर माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए तो बचे 9 पॉइंट ये हुआ 11 11 में से दो गए तो बचे 9 ये हुआ अगेन 11 0 109.9 इसका आंसर आएगा 109.9 ये आपका जवाब है क्लियर तो कैसे सॉल्व करना था वो पूरी चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई डेसिमल में मैंने जवाब दिया है आप चाहें तो डेफिनेटली फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं लेकिन जब डेसिमल में दिख रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल में हम जवाब दे देते हैं ठीक है तो अगर आप लिखेंगे सर वन जीरो नाइन नाइन बाई टेन लिख दे लिख दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ड्रॉ दी अदर होल्स अब अच्छा इसमें देखो ये सिमेट्री चैप्टर से है ये कह रहा है अगर लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है तो आप बताइए और होल्स कहा बनेंगे तो आप सिर्फ ड्रॉ करके बताइए एक होल है इस पेपर को इधर फोल्ड करूंगा तो इसी के सामने दो होल्स बनेंगे इस तरीके से ये पेपर है इसको इधर फोल्ड करूंगा तो इस होल के सामने ये वाला होल बनेगा इस होल के सामने ये वाला होल बनेगा तो रेड पेन से मैंने होल होल ड्रॉ कर दिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक आपने कर लिए हैं चीजों को सोल्व फोर्टी मिनट्स अप्रॉक्स मैं बोलूंगा यहां तक हम चीज कर चुके हैं सॉल्व तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रहा अगेन इसके चार सब पार्ट है इनको देख लेते हैं तो अ व्हील मेक्स फोर थाउजेंड रेवोल्यूशन अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी फोर किलोमीटर एक 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए 44 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक जो व्हील है वो टोटल नंबर ऑफ रेवल्यूशंस कर रहा है फोर थाउजेंड फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील आप बताइए इस व्हील का रेडियस कितना है अगेन एक बहुत अच्छा सवाल इसको देखिएगा टोटल नंबर ऑफ रेवल्यूशंस कितने हैं तो टोटल नंबर ऑफ रेवल्यूशंस का मतलब ये हमें दिया हुआ है कितना चार हजार ठीक है फोर थाउजेंड रेवल्यूशन हो रहे हैं एक जो है वन रेवल्यूशन इक्वल है किसके तो एक जो पूरा है वो इक्वल है आपके किसके इक्वल है सरकम ऑफ सर्कल मतलब टू पाई के क्लियर है एक रेवल्यूशन तो चार हजार रेवोल्यूशन ये 44 किलोमीटर जाता है तो 44 किलोमीटर जाता है इसका मतलब इन 4000 थाउजेंड रेवल्यूशन अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है 44 किलोमीटर तो इसका मतलब एक रेवल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारा होगा 44 फोर अपॉन फोर किलोमीटर क्या मैं इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दूं तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी हम मीटर में चेंज करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने मीटर में चेंज कर दिया एक रेवोल्यूशन में कितना मीटर तो यहाँ पे देखिएगा ये जीरो से ज़ीरो कट जाएंगे और ये फोर से फोर्टी फोर कटेगा तो हमारा एक जवाब निकल के आया कि एक रेवोल्यूशन में वो इलेवन मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना वन रेवोल्यूशन में हमसे पूछा है व्हील का रेडियस बताइए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक रेवोल्यूशन क्योंकि टू पाई आर के बराबर होता है तो टू पाई आर की जो वैल्यू है वो ग्यारह के बराबर होगी देखो एक रेवोल्यूशन में टू पाई आर डिस्टेंस कवर होगा एक रेवोल्यूशन टू पाई आर सर्कम्फ्रेंस के बराबर है एक व्हील पूरा चक्कर मारेगा तो ये यहां कहीं आएगा और एक कंप्लीट राउंड करके उसने इतना जो डिस्टेंस क्रॉस किया है ये ग्यारह मीटर है ठीक है तो यहां से हम R कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनली हम यहां से R कैलकुलेट कर लेते हैं R की वैल्यू आएगी 11 बाई टू पाए 11 बाई टू पाए और पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 22 टू बाई सेवन और इस 22 टू बाय सेवन को जब सामने लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 बाय ट्वेंटी इस तरीके से तो 11 इंटू सेवन बाय ट्वेंटी तो 11 टू टाइम्स इज़ ट्वेंटी टू एंड इलेवन वन टाइम्स इज़ इलेवन आर की वैल्यू आएगी सेवन बाय फोर और सेवन बाय फोर का मतलब है फोर वन टाइम्स इज़ फोर और बचा थ्री पॉइंट ज़ीरो थर्टी और फोर सिक्स टाइम्स फोर सेवन टाइम्स इज़ ट्वेंटी एट फोर सेवन टाइम्स इज़ ट्वेंटी एट ठीक है थर्टी में से ट्वेंटी एट गया बचा टू जीरो ट्वेंटी फोर फाइव टाइम्स इज ट्वेंटी तो मैं कहूँगा जो रेडियस आया है वो आया वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर का ठीक है तो ये मीटर में वैल्यू निकाल दी मैंने डन तो रेडियस जो है वो वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर होगा यही हमें पता करना था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व चलिए मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? Rectangle. एक rectangle है और इसमें जो लेंथ ब्रेथ का रेशियो है ये, है, ये है। इसमें जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो मुझे टू दिया है वैल्यू ये बोल रहा है कि वो लेंथ से पांच कम है तो एल माइनस फाइव अगर ब्रेथ की वैल्यू दी है ऐसे बोला इन्होंने ठीक है तो ब्रेथ की वैल्यू अगर इन्होंने हमें एल माइनस फाइव बोली है व्हाट विल बी द दैरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आप रेक्टेंगल का पैरीमीटर बताइए क्या होगा तो ये बोल रहा है अगर हम रेशियो निकालते हैं लेंथ और ब्रेथ का तो ये रेशियो जो है रेक्टेंगल का ये रेशियो है टू टू वन इसका मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं रेशियो का साइन रिमूव करूंगा तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा आ जाएगा 2x और हमारी जो ब्रेथ आएगी ये ब्रेथ हमारी आ जाएगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1x डन तो हमने रेशियो रिमूव किया हमने एक x अननोन क्वांटिटी यहां डाल दी अब ये बोलना चाह रहा है कि जो लेंथ की वैल्यू है 2x ये इक्वल है इसके इक्वल है तो द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2:1 इफ ब्रेथ इज 5 लेस देन द लेंथ अगर ब्रेथ जो है वो तो ब्रेथ एक्चुअल में कितनी है 1x है और वो कह रहा है जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगल से पांच कम है तो रेक्टेंगल था हमारा 2x 2x में से माइनस फाइव कर दीजिए ये हमारी ब्रेथ की वैल्यू दी है तो व्हाट विल बी द पैरिमीटर यहाँ से हमें एक x मिलेगा ये एक इक्वेशन आप सॉल्व करिए तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो ये आ जाएगी 5 इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन एक्स मतलब x तो x की वैल्यू आ रही है फाइव देयर फोर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है टू मतलब टेन ठीक है तो लेंथ हमारा आ गया है टेन ठीक है कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो हम कह रहे हैं टेन यूनिट्स जो ये है हमारी लेंथ है ऐसे ही ब्रेथ क्या होगी तो ब्रेथ हमने ली थी रेशियो में वन एक्स ब्रेथ हमें दी थी इन्होंने वन एक्स तो दैट मीन्स वन इंटू फाइव तो ये फाइव यूनिट्स ठीक है देखिए हमारी लेंथ भी निकल आई हमारी ब्रेथ भी निकल आई अब हमसे क्या पूछा है हमसे पेरीमीटर पूछा है तो देअर फोर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देयरफॉर टर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होगा तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर जो होगा वो होगा टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ और ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ लेंथ इज वट तो लेंथ इज टेन प्लस फाइव तो ये है आपका फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू इज तो ये हो जाएगा टू इंटू फिफ्टीन और ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्टी यूनिट्स तो 30 यूनिट्स इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल यूनिट वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कहीं पे भी हमें मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कोई भी लेंथ का यूनिट नहीं दिया है तो हमने लेंथ की यूनिट को यूनिट ही बोला बस क्लियर है तो जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन से हमने ये दो चीज़ें निकाली फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन ये दी थी इस कंडीशन से हमने लेंथ और ब्रेंथ कैलकुलेट किया फॉर्मूला हमें पता था फॉर्मूले को हम बॉक्स में डाल देंगे और यहाँ पे हमारे वन मार्क्स हैं पक्के तो यहाँ पे आपने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलिए इन द एडजस्टिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आप एक्स की वैल्यू बताइए इस फिगर के अंदर तो देखिएगा इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू क्या बोल सकता हूं तो अगर मैं देख रहा हूं कि ए बी और सी डी है यहां पर तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसा बोल दें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं हमें ठीक है और ये लाइन ए बी क्योंकि सी डी के पैरल में दिख रही है तो क्योंकि ए बी इस पैरल टू सी डी दिख रहा है तो हम ऐसा बोल देते हैं ये 30 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू भी 30 होगी तो एंगल बी ए और इसको अगर मैं ओ बोल देता हूँ तो बी ए ओ इज़ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ और यहाँ पे ये दिया है थर्टी डिग्री विच इज इक्वल्स टू एक्स तो एक्स की वैल्यू थर्टी डिग्री आएगी वन मार्क्स में इतना छोटा सा क्वेश्चन क्योंकि बाकी क्वेश्चन बड़े भी तो हैं दो पार्ट इसमें बड़े भी थे डन तो इतने छोटे छोटे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी में फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में इस फिगर में आप एक्स की वैल्यू बताइए तो यहाँ पे लगेगा आपका पैथोगोरस थ्योरम ये हमें नाइन्टी डिग्री दिख रहा है डन तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो पाथोगोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बकायदा हम यूजिंग थ्योरम पाइथोगस थ्योरम अगर मैं इस थ्योरम का यूज करूँ तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर है 144 ये आ जाएगा आपका 961 169 एसी का स्क्वायर आपको एसी की वैल्यू निकालनी है आपको एक्स निकालना है क्योंकि एसी पूरा एक्स दिया है तो हम यहाँ पे एक चीज़ और से लिख सकते थे कि इस ए स्क्वायर की जगह हम लिख देते एक्स स्क्वायर डन तो यहाँ पे हम एक्स का स्क्वायर ले रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ठीक कि 169 तो मतलब x की दो ऐसी वैल्यूज हैं सिमिलर वैल्यू हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 169 आया है तो x जो है वो 13 सेंटीमीटर है ये हमने x निकाल दिया क्लियर है इस तरीके से हमने सेक्शन बी को भी कर लिया है यहाँ पे कंप्लीट आ जाइए सेक्शन सी में तो हमने दो सेक्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने यहाँ खत्म कर दिया है क्वेश्चन ठीक है और एक घंटे के अंदर-अंदर हमने खत्म किया 60 मिनट्स के अंदर हमने पहला सेक्शन कर दिया खत्म चलिए मूव करते हैं हम सेक्शन सी की तरफ क्वेश्चन नंबर नंबर 15 15 29 टोटल क्वेश्चंस थे क्वेश्चन क्वेश्चन है है शॉर्ट आंसर टाइप जो कि मार्क्स का सवाल अ अ पर्सन बाइज बुक फॉर रुपीज टू हंड्रेड एंड सेल इट फॉर रुपीज टू फिफ्टी तो बात को समझिएगा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे हम बाकायदा तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन उसके बाद जो हमें गिवन है वो पार्ट लिखेंगे हमें गिवन क्या है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक हमें दी है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या है तो बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो है रुपीज टू हंड्रेड और इस बुक को हमने सेल किया है तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या है तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या है तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक जो है वो है रूपीज टू फिफ्टी हमने दो में चीज खरीदी दो सौ पचास में बेच दी वॉट विल बी हिज गेन परसेंट तो कॉमन सी बात है उसको गेन हुआ होगा तो गेन उसको कितना हुआ सेलिंग प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो ये आपका गेन निकल के आएगा उसको गेन हुआ है 250 फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड पचास रुपए का फायदा हुआ है तो हम कहेंगे उसको जो गेन हुआ है वो हुआ है रुपीज फिफ्टी आंसर नहीं आया है अभी क्यों नहीं आया क्योंकि हमसे बोला था गेन परसेंट कैलकुलेट करो तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस इनिशियल में बुक का प्राइस कितना था इन टू हंड्रेड क्लियर है इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे और हम यहां पे गेन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो गेन परसेंट है ये गेन परसेंट हमारा आ जाएगा गेन अपॉन सीपी मतलब फिफ्टी अपॉन टू हंड्रेड पचास रुपए का फायदा हुआ आउट ऑफ दो सौ रुपए हमने लागत लगाई थी इन टू हंड्रेड परसेंटेज तो हमने हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे दो जीरो से ये दो जीरो कट गए और इस टू से ये फिफ्टी कट गया तो यहाँ पे ये आया रुपीज ट्वेंटी फाइव सॉरी रुपीज नहीं आएगा यहाँ पे ये आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट डन तो ये आ गया आपका सिंपल गेन परसेंट ट्वेंटी फाइव तो एक चीज को समझना कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो आंसर देते समय यहाँ पे लिख देते हैं मैं बता रहा हूँ क्या लिखते हैं वो लिख देते हैं गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन परसेंट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव परसेंट जो कि गलत है लिखना ये तरीका गलत है रीजन क्यों क्योंकि किसी एक साइड पे जब आप ऑलरेडी परसेंटेज का साइन यूज कर रहे हैं तो दूसरे साइड पे आप नहीं करेंगे ये गलत है ठीक है गेन परसेंट अगर बोल रहे हो तो वो ट्वेंटी फाइव आएगा या आप ऐसे बोल दें कि गेन जो है ट्वेंटी 25% है डन तो हम या तो ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं ये दो तरीके सही हैं ये गलत तरीका दिस इज वेरी रॉन्ग ठीक है दिस इज रॉन्ग स्टेप ओके तो ये गलती आप स्कूल एग्जाम में प्लीज मत करके आना टीचर मार्क्स काट देंगे गेन परसेंट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बोलिए या गेन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट बोलिए परसेंट किसी एक साइड पे लगेगा क्लियर है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तीन मार्क्स हो गए यहाँ हमारे पक्के क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एक आदमी है उसने एक आर्टिकल बेचा कितने का तीन हजार छह सौ रुपए का एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी परसेंट हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर रूपीज थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी अगर वो उसी आर्टिकल को तीन हजार एक सौ पचास रुपए में बेचता अभी कितने में बेचा है ज्यादा में बेचा है 3600 में बेचा है तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ है अगर वो आर्टिकल इस कॉस्ट पे बेचता तो आप बताइए उसको प्रॉफिट क्या होता ठीक है उसका प्रॉफिट क्या होता कितना परसेंट होता हाउ मच प्रॉफिट वुड ही हैव गॉट तो देखिए एक अच्छा सवाल इसको देखना तीन मार्क्स में हम कैसे लिखेंगे तो हम प्रॉपर यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें पता है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू रूपीज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है जब उसने ऐसा किया तो उसको प्रॉफिट परसेंट मिला प्रॉफिट परसेंट गॉट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी अब आप देखो परसेंटेज का साइन मैंने यहां यूज किया है तो यहां ट्वेंटी बोल रहा हूं ठीक है हमें एक फॉर्मूला पता है फॉर्मूला हमें क्या पता है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इन टू हंड्रेड इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा ठीक है अब इस फॉर्मूले में सीपी तो हमें डाटा में सीपी नहीं दिया बल्कि बल्कि एसपी दिया है। हम पहले तो कॉस्ट प्राइस पता कर लेते हैं कैसे पता करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं ऑल्सो एज वी नो कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फायदा क्या होता है तो प्रॉफिट तब होता है जब बेचने वाली कॉस्ट खरीदने वाली कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी ये अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट फॉर्मूला है ये सेकंड फॉर्मूला है इस वैल्यू को उठा के प्रॉफिट की जगह का डाल दूं तो प्रॉफिट परसेंट का नया फॉर्मूला देअर फोर प्रॉफिट परसेंट का जो नया फॉर्मूला है ये बन जाएगा एस पी माइनस सी पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड इस फॉर्मूले में आप इन दोनों वैल्यूज को आराम से सब्सटीट्यूट कर सकते हो यहां से आपका सीपी आ जाएगा तो यूज दिस फॉर्मूला ठीक है देखिएगा हम कह सकते हैं तो यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्लू में हेडिंग मार्क कर दूं तो देखिएगा इस फॉर्मूले में जो कि आपका थर्ड फॉर्मूला है ठीक है थर्ड फॉर्मूले में अगर मैं ये दोनों वैल्यूज को सब्सिड्यूट कर दू इन दोनों वैल्यूज को तो ये फॉर्मूला यहां पे आएगा प्रॉफिट परसेंट हमें दिया ट्वेंटी ट्वेंटी इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी एस पी है तीन हजार तो तीन हजार माइनस सीपी हमें नहीं पता अपॉन सी पी 100 हंड्रेड ऐसा कर सकते हैं और मुझे सीपी फाइंड करनी है तो ये Cp ट्वेंटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विथ सी पी तो एक काम करते हैं इसको Cp लिखने से अच्छा हम एक्स लिख देते हैं तो इसको Cp लिखने से अच्छा हम एक्स लिख देते हैं एक्स और एक्स और यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू ठीक है हम कॉस्ट प्राइस को कितना बोल दें तो एक्स रुपीज ये एक्स हमने यहाँ यूज़ किया अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ट्वेंटी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड बाय हंड्रेड हो जाएगा ये इंटू हंड्रेड है ये हंड्रेड नीचे आ जाएगा इस तीन हजार छः सौ माइनस एक्स ये माइनस एक्स यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एक्स बाय हंड्रेड प्लस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू तीन हजार छः सौ इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा हंड्रेड ट्वेंटी एक्स प्लस हंड्रेड एक्स विच इज इक्वल टू तीन हजार छ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू तीन हजार छ मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड तो फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी थ्री सिक्स डबल जीरो डबल जीरो अपॉन वन ट्वेंटी ये जीरो से ये जीरो कटा ठीक है और ट्वेल्व थ्री टाइम्स तो ट्वेल्व थ्री टाइम्स होता है थर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू थ्री थाउजेंड रुपीज इसको मैं रेड पेन से एक बॉक्स में डाल देता हूँ अभी आंसर नहीं आया है ठीक है तो अभी आंसर नहीं आया हमारा देखिएगा यहां पे हम सिर्फ इसको एक बॉक्स में डाल रहे हैं ये x क्या आया ये x आया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आर्टिकल था कितने का तो आर्टिकल था तीन हजार रुपए का उस तीन हजार के आर्टिकल को आपने तीन हजार छ सौ में बेचा तो आपको बीस परसेंट प्रॉफिट हुआ है ठीक है अब वो कह रहे हैं अगर इसी आर्टिकल को ये जो तीन हजार का आर्टिकल है अगर आप तीन हजार एक सौ पचास रुपए में बेचते तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं इधर देखिएगा ब्लैंक शीट पे मैं इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं इफ यहां पे पेन यूज कर लेते हैं इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रूपीज थ्री थाउजेंड एंड सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी यही बोला था देखिएगा हमसे बोला था अगर आर्टिकल को तीन हजार एक सौ पचास रुपए में बेचा जाता है सोल्ड करते हैं तो बताइए प्रॉफिट कितना होता तो इस केस में जो प्रॉफिट होता वो होता तीन हजार एक सौ पचास माइनस तीन हजार तो ये आता हमारा एक सौ पचास रुपया तो ये हमारा फायदा आता प्रॉफिट हमें होता है एक सौ पचास का तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट क्या आता तो प्रॉफिट परसेंट आता हमारा 150 डिवाइडेड मैं फॉर्मूले ऑलरेडी आगे लिख चुका हूं तो इसलिए दोबारा से फॉर्मूले नहीं लिख रहा प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट हमारा आता अपॉन सीपी सीपी है तीन हजार मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड तो ये दो जीरो ये दो जीरो ये दो जीरो, जीरो, जीरो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आती फाइव ठीक है तो इस केस में हमें पांच परसेंट का प्रॉफिट होता क्लियर है अभी कितने का फायदा हुआ था अगर आप पीछे चल के देखेंगे अगर मैंने आर्टिकल 3600 में बेचा है तो मुझे 20 परसेंट प्रॉफिट हुआ है लेकिन अगर वही आर्टिकल में 3150 में बेचता तो मुझे मात्र 5 परसेंट का प्रॉफिट मिलता समझ आ रहा है तीन मार्क्स में इस तरह के सवाल डेफिनेटली मैं कहूँगा तीन से पांच मार्क्स में इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं बोर्ड कर लेते हैं क्लियर यहां से भी स्पेस बना लेते हैं सोलह क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा अनु डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड टू ऑप्टेन एट द रेट ऑफ फोर्टीन परसेंट पर एनम फॉर फोर ईयर अनु ने एक प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में जमा किया तो प्रिंसिपल इज रूपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है टू ऑपटेन अ सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पाने के लिए रेट उसने जो बैंक से उसको मिला वो था रेट फोर्टीन परसेंट का ठीक है पर एन हर साल का फॉर फोर ईयर उसने टाइम कितना लिया चार साल का टाइम लिया वॉट टोटल अमाउंट विल अनु गेट एट दफ इयर्स? आप बताइए उसको अमाउंट कितना मिलेगा अमाउंट पूछा है सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है उसके बाद अमाउंट भी कैलकुलेट करना है तो देखिएगा देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम अपॉन हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा एस आई कितना मिलेगा तो उसने सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड डिपॉजिट किए फोर्टीन परसेंट के हिसाब से मल्टीप्लाइड विथ फोर चार साल के लिए यह है कहानी तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गया उसको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो है सिक्स फाइव एट मल्टीप्लाइड विथ ये आ जाएगा आपका फिफ्टी सिक्स फोर्टीन इंटू फोर तो फोर इंटू फोर इज सिक्स कैरी वन फिफ्टी सिक्स तो ये सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा चलिए इधर देखना देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रूपीज सिक्स फिफ्टी एट फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिक्स फिफ्टी एट को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी सिक्स से तो सिक्स इंटू एट इज़ फोर्टी एट सिक्स इंटू फाइव इज थर्टी थर्टी फोर सिक्स इंटू सिक्स इज़ थर्टी सिक्स प्लस थ्री इज़ थर्टी नाइन क्रॉस फाइव इंटू एट इज़ फोर्टी फोर कैरी फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नाइन टू कैरी फाइव इंटू सिक्स इज थर्टी प्लस टू इज़ थर्टी टू तो ये आ जाएगा एट फोर नाइन प्लस नाइन इज एटीन एटीन का एट कैरी वन सिक्स थ्री तो ये जो उसको मिला है इंटरेस्ट वो मिला है थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट क्लियर है तो ये हमने 658 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो लिख दिया देयरफॉर अमाउंट हमें पता करना है तो अमाउंट क्या होता है तो अमाउंट का आप फॉर्मूला लिख दीजिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या आएगा तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो ये आपका हो जाएगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एड होगा थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी फोर्टी एट एट प्लस एट इज सोलह सोलह का छोन छह बारह का दो कैरी वन और ये हो जाएगा दस मतलब उसको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा एक लाख अमाउंट कितना मिलेगा एक लाख दो हजार छ सौ अड़तालीस रुपए फोर्टी एट वन लाख टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट रुपीज यूनिट लिखना मत भूलिएगा क्लियर है तो अगर वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टीन परसेंट के हिसाब से चार साल के लिए डिपॉजिट करती है तो उसको इतना अमाउंट रिटर्न मिल रहा है यहां तक हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर तक कर लिया है एटीन क्वेश्चन देखना द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू वन फोर जीरो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज ट्वेल्व हंड्रेड गर्ल्स इन स्कूल नंबर ऑफ गर्ल्स तो यहां पर वर्ड आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लड़कियां हैं उस स्कूल के अंदर तो इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज ट्वेल्व हंड्रेड कॉमा देन वॉट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल आपको रेशियो निकालना है तो so, ये दो स्टेटमेंट आपको गिवेन है क्या यहां से मैं ये निकाल सकता हूं देर ऑफ बॉयज निकाल सकता हूं क्या नंबर ऑफ कैसे आएंगे तो टोटल बच्चों में से आप गर्ल्स की मात्रा हटा दीजिए इसको लिख के जो आना तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स तो ये आ जाएगा हमारा टू वन फोर जीरो में से हम माइनस कर देते हैं बारह सौ को तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी फोर्टी और बारह में से दो गए नहीं सॉरी ग्यारह में से दो गए तो ग्यारह गया दस गया नौ ठीक है बस 940 तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे निकल आए अब आप देखना कितने लड़के हैं तो फाइनली लड़के हैं 940 सौ चालीस हैं बारह ये दो चीज़ें हमें गिवन है हमसे क्या बोला है रेशियो फाइंड करिए किसका रेशियो फाइंड करिए तो रेशियो हमें बोला है देन वॉट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू जो पहले दिया है वो न्यूमरेटर जो बाद में दिया है वो डिनोमिनेटर तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डन चलिए उठाइए वैल्यू और यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर दीजिए तो रेशियो कितना बनेगा देखिएगा रेशियो हमारा बनेगा नंबर ऑफ बॉयज है 940, 940. लड़कियां हैं 1200 तो ये आ गया 1200 टू रेशियो का मतलब ये है कि ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए तो देखिएगा जीरो से जीरो टेन टेन का हमने फैक्टर कट कर दिया 94 में 2 का फैक्टर दिख रहा है 120 में 2 का फैक्टर दिख रहा है ये कैंसिल आउट होगा तो 2 4 टाइम्स 8 2 7 टाइम्स 14 अपॉन 2 6 टाइम्स 12 एंड 0 क्लियर 7 प्लस 3 इज 10 और 10 प्लस 1 इज 11 11 तो ये ना 2 से जा रहा है ना ही ये 3 से जा रहा है 47 किसी के टेबल में नहीं आता 60 से ये कहीं से नहीं कट सकता क्योंकि 62 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है बट ऊपर 203 से कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा तो हम सिंपली यहां पर कहेंगे कि हमारा यही रेशियो आया रेशियो क्या आया तो रेशियो हमारा आया है 47 सेवन इज टू सिक्सटी का ये हमारा रेशियो है डन तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी थी सॉल्व 18 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ दस क्वेश्चन मतलब ग्यारह क्वेश्चन अभी भी हमारे बचे क्लियर देखिएगा अमित एंड सुदेश हैव इन्वेस्टेड इन द दोनों ने इन्वेस्ट किया होता टोटल फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इफ बोथ इन्वेस्टेड है टोटल टोटल अमाउंट दिया है दोनों का अमाउंट मिला के फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सुदेश आप बताइए सुदेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा चलिए तो बोर्ड क्लियर करके कैसे इसको सॉल्व करना है इसकी तरफ देखिएगा तो हम यहां लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन देखिएगा जो भी गिवन है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं तो हमें गिवन है अमित एंड सुदेश हैव इन्वेस्टेड इन द रेशियो तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है हमें तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है किसका अमित का इन्वेस्टमेंट अमित इन्वेस्टेड टू हमें दिया है सुदेश इन्वेस्टेड सुदेश इन्वेस्टेड ठीक है तो ये हमें जो रेशियो दिया है ये हमें दिया है फोर इंस टू सेवन का तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अमित ने फोर एक्स इन्वेस्ट किया और सुदेश ने सेवन एक्स इन्वेस्ट किया हम ऐसा बोल दे ठीक है इफ बोथ द इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट तो टोटल अमाउंट कितना दिया है ये देख लेते हैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू रूपीस फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया तो हमें सिर्फ सुदेश का पार्ट निकालना है देव फोर देव फोर सुदेश इन्वेस्टेड ऐसा हम बोल सकते हैं कि देव फोर सुदेश इन्वेस्टेड सेवन बाय इलेवन पार्ट सेवन बाय इलेवन हम ऐसा बोल देते हैं कि uh, दो मिनट होल्ड करिएगा यहां पे हम कर देते हैं सुदेश इन्वेस्टेड सेवन बाय इलेवनथ पार्ट ऑफ फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये एक स्टेटमेंट जो यहां निकल के आ रहा है जब मैं ये रेशियो देख रहा हूं अब सर ये सेवन बाई इलेवन कैसे निकल के आया सेवन बाय इलेवन कैसे निकल के आया मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है जब भी रेशियो दिया रहता है तो या तो आप रेशियो को हटाने के लिए फोर एक्स सेवन एक्स कर लीजिए दो पार्ट आ जाएंगे ठीक है और आप बोल सकते हैं फोर एक्स प्लस सेवन एक्स जो अमाउंट है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो वहां से एक्स निकाल लीजिए या दूसरा तरीका ये है कि आप फोर प्लस सेवन कर दीजिए रफ में और फोर प्लस सेवन करके ये आता है इलेवन तो आउट ऑफ इलेवन सेवन पार्ट तो आउट ऑफ इलेवन सेवन पार्टस तो वो सेवन बाय इलेवन पार्ट ऑफ दिस निकाला है मैंने क्लियर है देव हम यहाँ पे कहेंगे कि सेवन बाय इलेवन ऑफ फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज वॉट तो ये आ जाएगा इलेवन फोर टाइम्स इज फोर्टी फोर इलेवन फाइव टाइम्स इज फिफ्टी फाइव डबल जीरो मल्टीप्लाइड विथ सेवन तो ये आ जाएगा डबल जीरो सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव थ्री कैरी सेवन इंटू फोर इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन तो सुदेश ने जो इन्वेस्ट किया देयरफॉर सुदेश का जो अमाउंट था वो था रुपीस थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो टोटल फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया उसमें सुदेश ने जो पार्ट दिया वो था थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का क्लियर है तो यहां तक आपने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तक क्वेश्चन को सॉल्व सेक्शन सी में हम लोग हैं अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू माइनस टू ये कह रहा है अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे दूँ अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई ये अगर मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दे दूँ ठीक है और यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि इफ एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू अगर ये आपको मैं एक कंडीशन बोल दूं तो आपको क्या करना है इन वैल्यूज को उठाना है या सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर बताना है तो देअोर सब्स्टिट्यूट 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 एक्स एंड वाई इन फर्स्ट इस एक्सप्रेशन को पूरा मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल देता हूं ठीक है तो x और y की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर तो प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ y की वैल्यू है माइनस टू तो ये माइनस टू प्लस फाइव और y स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर ठीक है प्लस फोर मल्टीप्लाइड विथ y की वैल्यू है माइनस टू ये रहा माइनस टू इसको सॉल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर होता है फोर प्लस फोर इंटू टू इज एट एट इंटू माइनस टू इज माइनस एट तो यहां आ माइनस एट ठीक है फोर इंटू टू इज एट एट इंटू टू इज 16 तो यहां आ माइनस सिक्सटीन प्लस टू इंटू टू इज फोर फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी देखो माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर होगा प्लस फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी फिर माइनस या ऐसा कर दीजिए इसको प्लस ही लिखे रहने दीजिए फोर इंटू माइनस टू इज माइनस एट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फोर प्लस ट्वेंटी इज ट्वेंटी फोर प्लस ब्रैकेट प्लस इंटू माइनस इज माइनस तो हम एक काम करते हैं ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन माइनस एट लिख देते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है देखिएगा सिक्सटीन प्लस फोर तो ऐसा कर लीजिए या सिक्सटीन प्लस फोर इज ट्वेंटी प्लस फोर इज ट्वेंटी फोर तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर और ये वैल्यू कुल मिला के आ जाएगी जीरो के बराबर तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो जीरो अगर एक्स की वैल्यू भी टू है वाई की वैल्यू भी टू माइनस टू है तो तो ये जीरो निकल के आ रहा है ये आपका आंसर है खत्म इसमें और कुछ नहीं करना था तो यहां तक आपने कर लिए हैं बीस क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या कह रहा है अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू पता है इफ ए इज इक्वल टू टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी एंड बी इज इक्वल टू थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी और सी की वैल्यू है अगर ए प्लस बी प्लस सी तो आप बताइए ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा तो देव फोर ए प्लस बी माइनस सी इज एम्प्लाइज दैट ये हमें क्या दिखा रहा है तो उठाइए ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूं तो ए की वैल्यू है टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी ये ए की वैल्यू प्लस का साइन बी की वैल्यू क्या है तो बी की वैल्यू है आपकी थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी माइनस ये माइनस सी की वैल्यू क्या है तो सी की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी सॉल्व कर दीजिए सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a ए माइनस थ्री बी प्लस सी प्लस थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो a वाले सारे टर्म्स 2a ठीक है प्लस थ्री ए फिर माइनस ए फिर माइनस थ्री बी ठीक है फिर प्लस टू बी फिर माइनस बी प्लस सी प्लस थ्री सी माइनस सी ये हमने रीअरेंज कर दिया देखिएगा ये सारी ए की टर्म्स ये सारी बी की टर्म्स ये सारी सी की टर्म्स प्लस सी माइनस सी कट गया खत्म और 2a ए प्लस थ्री ए इज फाइव ए फाइव ए माइनस ए इज फोर ए माइनस थ्री बी प्लस टू बी इज माइनस बी माइनस बी माइनस बी इज माइनस फोर बी ठीक है और यहां पर ये यह आ जाएगा प्लस थ्री सी तो ये आपका जवाब आ गया क्लियर है तो फाइनली ये आपका हो गया है सॉल्यूशन यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन और जो हमें दिया था वो हमने गिवन पार्ट लिखा और इसकी वैल्यू निकालनी थी वो सॉल्व करके हमने आंसर दे दिया है डन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तक सेक्शन सी में हमने कर लिए हैं चीजों को सॉल्व मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है तो हाउ मच दिस इज ग्रेटर देन दिस ये कह रहा है टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स ये एक पूरी एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है तो इसमें अगर मैं ये बोलूं कि हाउ मच फोर इज ग्रेटर देन टू देखना हाउ मच फोर इज ग्रेटर देन टू तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर फोर माइनस टू कर दीजिए तो टू आएगा तो हम कहेंगे फोर टू से कितना बड़ा है टू बड़ा है ठीक है ना तो हमने क्या किया इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस किया तो इस एक्सप्रेशन में से हम माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरी एक्सप्रेशन लिख देंगे ये था ये वाला स्टेटमेंट सिंपल सा तो ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू क्लियर है तो टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब आपस में कैंसिल आउट डन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स इज माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस फोर यह हमारा जवाब है खत्म कहानी बस ऐसे चीजों को सॉल्व करना था थ्री मार्क्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू भी हमने कर लिया है खत्म चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जो कि एक बारग्राफ बनाने वाला सवाल है ठीक है तो स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए स्पोर्ट्स आपको दिया क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन स्विमिंग एंड अदर्स ठीक है इनका डाटा दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ बारग्राफ ठीक है तो बारग्राफ बनाना है इसका मतलब यहां पर आप स्केल और रूलर का यूज करेंगे पहली बात देन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बना देता हूं तो यहां पे एक हेड बना देता हूं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चलिए गेम्स के जो नाम है वो मैं ले रहा हूं कहां पर तो वो मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं देखिएगा क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन तो ये पहली वाला ये जो पार्ट है इसको मैं ले लेता हूं क्रिकेट फिर है फुटबॉल तो इस वाले पार्ट को मैं ले लेता हूं फुटबॉल फिर है आपका बैडमिंटन तो ये वाले पार्ट को हम ले लेते हैं बैडमिंटन ठीक है फिर है आपका स्विमिंग तो इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं स्विमिंग और Others, तो ये वाला जो गेम है इसको ओ लिख देते हैं अदर्स और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट क्लियर है चलिए तो ये थी हमारी एक्स एक्सिस नाम हमेशा कोशिश करिए एक्स एक्सिस पे लीजिए तो यहाँ पे हम एरो डाल के लिख देते हैं आ, क्या स्पोर्ट्स के नेम ठीक है तो ये स्पोर्ट्स हो गए इनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे तो ये हैं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसको देखिएगा सत्तर तीस पचास चालीस दस तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं दस दस का गैप बना लेते हैं मतलब हम एक यूनिट को टेन मान लेते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो अगर इसको मैंने लिया ये टेन ये ट्वेंटी ये थर्टी ये फोर्टी ये फिफ्टी ये सिक्सटी ये सेवेंटी ये एट्टी और हैं क्या नहीं बस इतने ही हैं तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं यहाँ पे हम एक एरो हेड देते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है ऊपर हम लिख देते हैं वाई एक्सिस हमने जो स्केल लिया है वो स्केल हम यहाँ लिख देते हैं तो स्केल हमने क्या लिया है तो हमने एक्स एक्सिस पे जो स्केल लिया है हमने एक यूनिट को हमने एक यूनिट को एक स्पोर्ट्स का नाम दिया है पहली चीज और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है तो हमने एक यूनिट को दस बच्चों के बराबर माना है टेन स्टूडेंट्स इस तरीके से आप स्केल जो लिखिएगा तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले सत्तर बच्चे हैं देखिएगा क्रिकेट खेलने वाले सत्तर बच्चे हैं तो ये सेवेंटी का ग्राफ यहाँ पे गया क्लियर है चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं हम ब्लू से शेडिंग कर देते हैं इस बार की क्लियर चलिए उसके बाद उसके बाद अगेन हम यहाँ पे आ जाते हैं फुटबॉल पे हैं थर्टी स्टूडेंट्स तो फुटबॉल पे हैं थर्टी स्टूडेंट्स ये रहे आपके थर्टी स्टूडेंट्स ठीक है बैडमिंटन में है फिफ्टी स्टूडेंट्स तो बैडमिंटन में है फिफ्टी स्टूडेंट्स ये हम बनाए थे फिफ्टी स्टूडेंट्स का बार फिर स्विमिंग में है फोर्टी स्टूडेंट्स तो फोर्टी स्टूडेंट्स स्विमिंग में हैं तो ये रहे हमारे फोर्टी स्टूडेंट्स ठीक है और अदर गेम्स में है हमारे पास सिर्फ दस बच्चे तो दस बच्चों के लिए छोटा बार ठीक है और इसको शेडिंग कर देते हैं आप भी पेंसिल का यूज करके शेड यू करना कि अलग अलग बार्स यहाँ पे नजर आने चाहिए ठीक है और इनमें गैप होना चाहिए हिस्टोग्राम नहीं है ये आप एट्थ क्लास में सीखेंगे कि बार्स आपस में भी ज्वाइन होते हैं अभी हमने दूरी के साथ बनाए हैं देखिए एक एक यूनिट की दूरी भी ली है तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को सॉल्व करने का तरीका बस इसी के तीन मार्क्स है क्लियर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ क्या कह रहा है इसको देखिएगा अब यहां से आपके चालू होते हैं ट्वेंटी फोर से लेकर ट्वेंटी नाइन तक फाइव मार्क्स का हर एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वेराइटी डन चलिए द फॉलोइ टेबल शोज द नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन वेरियस पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग वन फिफ्टी वन पेजेस ठीक है फाइंड द मीन मिसप्रिंट पर पेज मीन मिसप्रिंट्स तो देखो नंबर ऑफ मिसप्रिंट तो नंबर ऑफ पेजेस छब्बीस पेजेस ऐसे हैं जहां पर एक एक गलतियां हैं बाईस पेज ऐसे हैं जहां पर दो दो गलतियां मिल रही हैं पैंतालीस पेज ऐसे हैं जहां पे तीन मिस्टेक्स मिल रही हैं ट्वेंटी पेजेस ऐसे हैं जहां पे चार गलतियां मिली हैं और दस पेजेस ऐसे हैं जहां पे पांच गलतियां मिली हैं और अट्ठाईस पेज ऐसे हैं जहां पे छह गलतियां मिली हैं ये चीज़ समझ आ रही है नंबर ऑफ़ पेजेस टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 151 आप जब ऐड करेंगे तो इनका सम टोटल 151 आएगा आप करके देख सकते हैं 20 प्लस ट्वेंटी इज 40 फोर्टी प्लस फोर्टी इज एटी एटी प्लस ट्वेंटी इज हंड्रेड हंड्रेड प्लस थर्टी इज वन थर्टी तो 130 तो ये आ गया यूनिट प्लेस ऐड कर लेते हैं सिक्स प्लस टू इज एट एट प्लस एट इज सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फोर इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये देखिए वन फिफ्टी वन पेजेस तो 151 नंबर ऑफ पेजेस हैं जिनमें नंबर ऑफ मिसप्रिंट आपको दिए हैं हर एक पेज में एक गलती मिल रही है ठीक है चलिए आपको क्या करना है तो आपको यहां पर फाइंड द मीन मिसप्रिंट इन पर पेज हर एक पेज की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक पेज में मतलब 26 पेजेस में एक एक गलती मिल रही है तो 26 पेज होंगे ठीक है दो गलती मिल रही हैं 22 पेज में तो इसका मतलब पर पेज में कितनी गलतियां मिल रही हैं तो आप कहेंगे 44 गलतियां मिल रही हैं तो इसके लिए हम क्यों ना एक काम करें हम एक चार्ट फॉर्मेशन यहां पर करते हैं देखिएगा ये चार्ट फॉर्मेशन में हम तीन कॉलम बनाएंगे हमें दिए कितने थे हमें सिर्फ दो कॉलम दिए थे एक तो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मिस तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मिस ठीक है अब कितने टोटल मिसप्रिंट है ये हमें निकालना है नंबर ऑफ पेजेस तो नंबर ऑफ पेजेस तो ये है टोटल आपके 151 एंड टोटल नंबर ऑफ टोटल टोटल मिसप्रिंट अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखिएगा टोटल मिसप्रिंट कितने क्योंकि मिसप्रिंट का हमें मीन निकालना है तो मिसप्रिंट का मीन निकालना है इसका मतलब एक दो गलतियां तीन गलतियां चार गलतियां पांच गलतियाँ और छः गलतियाँ ये सारी गलतियाँ कितने नंबर ऑफ पेजेस में हैं तो एक गलती बाईस पेजेस में है ठीक है सॉरी ट्वेंटी सिक्स पेजेस में है तो ट्वेंटी सिक्स पेजेस हैं इसका मतलब ट्वेंटी सिक्स गलतियाँ हैं टोटल ठीक है दो गलतियाँ बाईस पेज में हैं दो दो गलतियाँ हर एक पेज में हैं टोटल पेजेस ट्वेंटी टू हैं इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ़ गलतियां जो हैं वो फोर्टी फोर है ठीक है तीन गलतियां 45 पेजेस में है तो थ्री इंटू फोर्टी फाइव कर दीजिए तो थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव कैरी वन थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व एंड थर्टीन चार गलतियां 20 पेजेस में मतलब 20 पेज हर एक पेज में चार गलतियां मतलब टोटल 80 मिस्टेक्स हैं दस पेजेस में हर एक पेज में पांच गलतियां तो मैं कहूंगा टोटल गलतियां हैं फिफ्टी टोटल मिसप्रिंट प्रिंट है फिफ्टी छ छः छः गलतियाँ हर एक पेज में ऐसे अट्ठाईस पेज हैं ट्वेंटी एट तो सिक्स इंटू एट इज फोर्टी एट फोर सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व एंड प्लस फोर तो ये आपका हो जाएगा सिक्सटीन ठीक है सिक्स इंटू एट इज फोर्टी एट एट और फोर ऊपर कैरी और ये वन सिक्सटी एट तो ये आपकी आ गई हैं टोटल नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स इन ऑल वन फिफ्टी वन पेजेस ठीक है तो इनका सम टोटल कितना है क्योंकि इनका मीन निकालना है तो इनका मीन निकालना है इनका सम टोटल कितना आएगा तो इनका सम टोटल करके यहाँ लिख दीजिए छः प्लस चार दस दस प्लस पाँच पंद्रह पंद्रह प्लस पाँच बीस और ये है ट्वेंटी थ्री थ्री और टू कैरी फोर फोर एट नाइन टेन इलेवन इलेवन प्लस एट नाइनटीन नाइनटीन प्लस वन इज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स इज थर्टी जीरो एंड थ्री ऊपर कैरी फोर एंड फाइव तो ये है टोटल गलतियाँ पाँच सौ तीन क्लियर है तो फाइव हंड्रेड एंड थ्री देखो मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइव जीरो थ्री आया ठीक है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने पेजेस थे तो टोटल पेजेस थे 151 क्लियर है तो 151 से आप डिवाइड कर दीजिए आपका मीन निकल के आ जाएगा इतना आसान है मीन निकालना आप समझ रहे हैं आपको किसकी मीन निकालना था आपको मीन निकालना था मिस प्रिंट का तो मिस प्रिंट का टोटल किया ठीक है और डिवाइड किया कितने पेजेस थे तो 151 पेजेस थे ठीक है इतने ऑब्जर्वेशंस थे तो इनको आप डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा तो ये मीन का जवाब आप मुझे देंगे तीन मार्क्स के क्वेश्चन में इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे क्लियर है चलिए तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको चार्ट बनाना है सबसे पहले ऊपर लिखना है सॉल्यूशन एक नया टेबल बनाना है नया टेबल बना के आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ पे देखो मैंने एक्स बार का यूज किया आप मीन वर्ड का यूज करना मीन का फॉर्मूला लिखकर आना एक मार्क्स आपको सिर्फ फॉर्मूले के मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स टोटल नंबर ऑफ मिसप्रिंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस टोटल नंबर ऑफ पेजेस तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्लियर है और यही आप वैल्यू उठा के जब फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका मीन निकल के आ जाएगा ये हो सकता है आपका डेसिमल में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं डेसिमल में आने दीजिए आंसर मुझे आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में तो यहां तक हम फाइनली सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तक आ चुके हैं मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ घंटा हमें लगा है यहां तक आने के लिए क्लियर है या एक घंटा चालीस मिनट में बोलूंगा यहां तक हम पहुंच चुके हैं चलिए तीन घंटे का पेपर है चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की जगह यहां पे कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब उसमें देखो यहाँ पे दो एंगल्स दिए हैं और आपको वो दोनों एंगल्स के एंड पॉइंट के बीच की लेंथ दी है तो आपको एक साइड और दो एंगल दिए हैं तो डेफिनेटली ए एस ए प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कंस्ट्रक्शन के लिए तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट होना पॉसिबल है देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको वर्ड लिखना है सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बाद आपको लिखना है यहाँ पे गिवन क्या है तो आपको गिवन यहाँ पर क्या है तो आपको गिवन है मेजरमेंट एम एंगल ए का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज सिक्स डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आपको दिया है ये दिया है थर्टी डिग्री एंड आपको एक साइड दी है ए बी ये जो ए बी साइड दी है ये फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर की दी है आप रूलर पिक करिए पेंसिल पिक करिए यहां पर रूलर रख के आप एक फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दीजिए डन है तो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर टेकिंग ए एज अ फिक्स पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 60 डिग्री कंपास का यूज करना है यहाँ पे ठीक है कंपास ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने अभी आपको बताया था एक इस तरह का टूल है जिसमें दो आर्म्स होती है एक आर्म पे पेंसिल लगती है उसको कंपास कहते हैं क्लियर है आप यहाँ पे कंपास को रखिए ए को फिक्स पॉइंट मानते हुए आप एक आर्क ड्रॉ करिए एक्स वाई आर्क ड्रॉ कर दीजिए हम ऐसा बोल देते हैं कि आर्क एक्स वाई अब एक्स को फिक्स पॉइंट मानते हुए सेम जो आपने ये आर्क ड्रॉ की है वही सेम लेंथ एक्स को मानते हुए पहला यहां पर आप कट लगा दीजिए और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका हो गया सिक्सटी डिग्री का एंगल देन खत्म ये हो गया हमारा सिक्सटी डिग्री का एंगल अब दूसरा आप क्या करेंगे आप बी को फिक्स पॉइंट मानते हुए सेम लेंथ की आर्क यहां पे मैं बोल देता हूं आर्क एस टी बोल देता हूं ठीक है ये आर्क ड्रॉ करिए अब हमें यहां बनाना है थर्टी डिग्री का एंगल तो 30 डिग्री का एंगल बनता है कैसे एंगल बी पे 30 डिग्री का एंगल तो 60 डिग्री को बाइसेकट करना है एस को फिक्स पॉइंट मानते हुए आप पहला आर्क कट करिए और यहां पर डॉटेड लाइन बनाइए ये डॉटेड लाइन बन गई क्लियर है ये डॉटेड लाइन बता रही है कि ये सिक्सटी डिग्री का एंगल है अब इसको बायसेकट करना है तो इन दोनों की लेंथ कैलकुलेट करिए मतलब कंपास का यूज करके इन दोनों की लेंथ लीजिए एस पे रख के आगे एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क तो ये आपका थर्टी डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये आपका एक ट्राइंगल आ जाएगा ए बी सी ये हाँ आपका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करने का मैं कहूँगा यहाँ पे तीन मार्क्स आपको मिलेंगे ठीक है गिवन लिखने के हाफ मार्क्स और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के बाकी मार्क्स तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा तो अंडरलाइन करके इसको लिख दीजिए पहला पॉइंट आपने क्या किया आपने एक लाइन ड्रॉ की है तो ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर यूजिंग रूलर किसका यूज करके रूलर का यूज करके ये आपका पहला स्टेटमेंट सेकेंड पॉइंट आपका क्या आएगा तो सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा ए पॉइंट को फिक्स्ड मानते हुए टेकिंग uh, टेकिंग पॉइंट ए एस अ फिक्स पॉइंट या टेकिंग ए एस फिक्सड पॉइंट फिक्स पॉइंट ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस ऑफ एनी रेडियस ठीक है fixed point, fixed point, radius, radius, radius. कोई भी रेडियस के एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए से एक्स वाई इस आर्क का नाम है एक्स वाई ऊपर इस तरीके का आर्क का सिंबल बनाइएगा डन Now, using same, using same, now using same measurement, using same measurement by compass and x as fixed point, as fixed point, as fixed point, cut. कट इनिशियल आर्क कट इनिशियल आर्क डन तो आप इस आर्क को कट करेंगे ठीक है नाउ ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इसको मैं बोल देता हूं यू ठीक है तो ज्वाइन ए यू ठीक है यूजिंग रूलर तो यहां पे मैं बोल देता हूं ज्वाइन ए यू एस एशन एब जैसा कि दिखाया गया सिमिलरली सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट आएगा सिमिलरली टेकिंग बी एज अ फिक्सड पॉइंट सिमिलरली टेकिंग बी एज फिक्स पॉइंट बी को फिक्स पॉइंट मानते हुए फिक्सड पॉइंट ठीक है सिमिलरली टेकिंग बी एज अ फिक्सड पॉइंट एंड एंड बाइसेक्टर ऑफ सिक्सटी डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ सिक्सटी डिग्री ड्रॉ ड्रॉ एंगल सी बी एक्वल्स टू थर्टी डिग्री काफी ये इतना लिखना कि हमने बाइसेक्टर का यूज किया है ये बाइसेक्टर है सिमिलर प्रोसेस इधर यूज किया है सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं इतना काफी होता है फाइव मार्क्स में लिखने के लिए क्लियर है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कैसे सॉल्व करना था ये भी मैंने आपको बता दिया चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स यहाँ पे क्या कह रहा है डी एन एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैलेलोग्राम ए बी सी डी देखो आपको एक पेलेलोग्राम दिया है और पैलेलोग्राम का नाम दिया है ए बी सी डी तो ये आपका पैलेलोग्राम है मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी क्या बोल रहा है डी एन एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन द साइड्स ए बी ऑन द साइड ए बी एंड ए डी ठीक है रिस्पेक्टिवली तो ए बी के ऊपर डी एन है तो डी एन है ये रहा एन ये हाइट है ठीक है ये डी एन है तो इस पॉइंट को मैं एन लिख देता हूं और बी एम बी से लेके एम तक तो बी से लेके एम तक मैं ऐसा कहूंगा ये आपका यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका बी एम क्लियर आर द हाइट ऑन द साइड ए बी एंड ए डी एडी ऑफ अ पैरलोग्राम ए बी सी डी इफ द एरिया ऑफ द पेरेलोग्राम इज गिवेन देखिएगा आपको क्या गिवेन है तो मुझे सबसे पहले तो एरिया गिवेन है एरिया ऑफ पैरलेलोग्राम एबीसीडी ये जो ए बी सी डी पैरलोग्राम है इसका एरिया गिवन है इसका एरिया गिवन है टू थ्री फाइव टू सेंटीमीटर स्क्वायर डन मुझे बोला है बी एम एंड ठीक है ये भी मुझे गिवन है और कुछ तो क्लियर यहां तक ये आपको गिवन है फाइंड क्या करना है तो टू फाइंड में मुझे बोला है फाइंड हाइट हाइट, बी एम एंड एन बी एम और डी एन हाइट बताइए क्या है तो ये फाइंड करना है ठीक है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे एज वी नो जैसा कि हमें पता है और हमें ये पता है कि एरिया ऑफ पैलेलोग्राम क्या होता है तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम एरिया ऑफ पैलेलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट फॉर्मूला हमें नोन है क्लियर है तो हम क्या करेंगे इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं सो so दैट ये फॉर्मूला हाईलाइट होता रहे क्लियर है तो यहां तक मैं कहूंगा पांच मार्क्स अगर सवाल है तो ड्राइंग बनाने के आपको वन मार्क्स गिवन लिखने के आपको हाफ मार्क्स फॉर्मूला लिखने के आपको वन मार्क्स ढाई मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा इतना करने का अब ढाई मार्क्स आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे हम यहां पे लिखेंगे देअर टेकिंग टेकिंग बेस टेकिंग बेस एस ए बी एस ए बी एंड हाइट 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 हम क्या बोलते हैं तो हाइट हम बोल देते हैं डी एन क्लियर तो हमें बेस ए बी ले लेते ले 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 हैं और हाइट डी एन ले ले लेते ले ले हैं ठीक है अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी एरिया ऑफ पैलेलोग्राम कितना दिया है तो ये हमें दिया दे फोर टू थ्री फाइव टू ठीक है टू थ्री फाइव टू इज इक्वल्स टू बेस है हमारा ए बी कुछ मेजरमेंट दिया है क्या कि किसी साइड का तो हमें ए बी दिया है थर्टी टू सेंटीमीटर का ए से बी तक की जो दूरी दी है ये हमें दी है थर्टी टू सेंटीमीटर तो हम कहेंगे थर्टी टू मल्टीप्लाइड विथ डी एन यहां से हम डी एन फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा हमारा टू थ्री फाइव टू डिवाइडेड विथ थर्टी टू विच इज इक्वल टू डी एन क्लियर है तो यहाँ से डी निकल आएगा यही आपको फाइंड करना था तो यहाँ पे एक काम करता हूँ डी एन मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ तो डी की वैल्यू फाइनली क्या आई तो हम रेड पेन का यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखिएगा टू वन टाइम्स टू टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू वन टाइम्स टू टू वन टाइम्स टू टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू एट टाइम्स सिक्सटीन एंड टू फाइव टाइम्स टेन टू एट टाइम्स सिक्सटीन एंड टू एट टाइम्स सिक्सटीन अगेन एट टू फोर टाइम्स एट टू टू टाइम्स फोर टू नाइन टाइम्स एटीन टू फोर टाइम्स एट अगेन ये फोर से जा रहा है तो फोर से कट करके देख लेते हैं फोर सेवन टाइम्स ट्वेंटी एट एंड फोर्टीन तो ये फोर से नहीं जा रहा ये टू से जाएगा तो टू टू टाइम्स फोर एंड टू वन टाइम्स टू टू फोर टाइम्स एट एंड टू सेवन टाइम्स फोर्टीन तो आपका जो डी एन की वैल्यू आई है वो आई है बेसिकली वन फोर्टी सेवन अपॉन टू सेंटीमीटर और इसको अगर आ, डेसिमल में निकालूं तो ये हो जाएगा टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू थ्री टाइम्स सिक्स टू फाइव टाइम्स टेन सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कुछ आपका डी एन हाइट निकल के आ जाएगा क्लियर है ऐसे ही आपको सेम फॉर्मूले का यूज करना है, बट बेस अब आपको लेनी है डी ए और डी ए भी आपको बेस दिया है फोर्टी एट सेंटीमीटर का क्लियर उठाइए और सॉल्व करिए तो यहाँ पे ये यह रफ वर्क जो इतना सारा हमने किया है इसको छोड़ देते हैं बस आपको मैं ये बताता हूँ डी को जब सॉल्व करेंगे तो 73.5 सेंटीमीटर आएगा क्लियर अभी यहाँ पे हम ब्लू पेन का यूज़ करके आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पे टेकिंग टेकिंग बेस टेकिंग बेस ए डी एंड ऑल्टीट्यूड इस केस में जो ऑल्टीट्यूड होगा वो आपका बन जाएगा बी ठीक है तो आपका फॉर्मूला एरिया क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा टू थ्री फाइव टू इज इक्वल्स टू फोर्टी एट तो ये आपका आ जाएगा फोर्टी एट मल्टीप्लाइड विथ बी एम यहाँ से आपको बी एम की वैल्यू मिल जाएगी तो ये हो जाएगा टू थ्री फाइव टू डिवाइडेड विथ फोर्टी एट विच इज इक्वल्स टू बी एम क्लियर है चलिए तो रेड पेन से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं रेड पेन से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टू टू टाइम्स फ़ोर टू फोर टाइम्स एट इसको कट करेंगे तो टू वन टाइम्स इज़ टू टू वन टाइम्स इज़ टू टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू वन टाइम्स इज़ टू 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 टाइम्स फ़ोर टू फाइव टाइम्स टेन टू एट टाइम्स सिक्सटीन एंड टू एट टाइम्स सिक्सटीन इसको कट कर लेंगे तो टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू टू टाइम्स फ़ोर टू टाइम्स इज टीन टू फोर टाइम्स इज एट फिर टू थ्री टाइम्स इज सिक्स टू वन टाइम्स इज टू टू फोर टाइम्स इज एट टू सेवन टाइम्स इज फोर्टीन ये आपका आ जाएगा कितना वन फोर्टी सेवन बाई थ्री तो बी एम की जो वैल्यू है वो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है वन फोर्टी सेवन अपॉन थ्री इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ये भी हमारे डेसिमल में आएगा तो ये आ जाएगा थ्री फोर टाइम्स इज ट्वेल्व क्लियर और 27 सेवन थ्री नाइन टाइम्स इज़ ट्वेंटी तो ये 49 सेंटीमीटर के आसपास हमारी बी की वैल्यू आ रही है क्लियर है इस तरीके से आपने डी एन भी फाइंड कर लिया बी एम भी फाइंड कर लिया ये जो हमने एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे कटिंग करके दिखाया है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्लियर है चलिए तो हमने कुल मिला के यहाँ कटिंग की थी और वो आपको यहाँ पे हमने दिखाई है तो आप बेस किसको ले रहे हो आप हाइट किसको ले रहे हो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है पैलोलोग्राम का फॉर्मूला ये आपको सेवन्थ क्लास में सिखाया गया है क्लियर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स भी हमारा सॉल्व हो गया ये था हमारा सेक्शन डी का पार्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेंथ की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवंथ हमें कह रहा है अ अ सम सम ऑफ ऑफ मनी मनी बिकम्स बिकम्स मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं पता है अगर मैं बोलूं कि कुछ प्रिंसिपल मैंने इन्वेस्ट किया होगा मैं बोल देता रुपीस पी मैंने इन्वेस्ट किया, ये प्रिंसिपल जब मेरे पास लौट के आएगा तो अमाउंट के रूप में आएगा तो अमाउंट जो है वो इन्होंने दिया है कि चालीस हजार रुपए बन गया टोटल इन ऑल, ठीक है कितने साल में तो ये जो टाइम लगा है ये दो साल का टाइम लगा है ठीक है और यही पैसा जो प्रिंसिपल पी था यही पैसा तीन साल के बाद जब लौट के आया तो ये अमाउंट बन गया है रुपीज फिफ्टी थ्री थाउजेंड ठीक है कितने टाइम के अंदर तो टाइम हमें लगा है तीन साल थ्री इयर्स के अंदर फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट आप बताइए पी की क्या वैल्यू है और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर ईयर क्या है हर साल क्या रेट ऑफ परसेंट लगा ठीक है रेट ऑफ परसेंट को हम एक ही वैल्यू मान लेते हैं प्रिंसिपल भी एक ही कोई वैल्यू होगी तो हम यहां बोल देते हैं रेट परसेंट जो था वो था आर ठीक है वही हम ले लेते हैं यहां पे भी जो रेट परसेंट था ठीक है वो था आर ठीक है पर एनम, ये लिखना जरूरी है। तो पी डॉट ए इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे देखना अब इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो इस केस में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा पी इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड होगा क्लियर है देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता बट प्रिंसिपल है हमारा पी मल्टीप्लाइड विथ या हम ऐसा बोले हमें अमाउंट पता है ना तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख दीजिए तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्लियर सिंपल इंटरेस्ट ये वैल्यू उठाइए यहाँ अगर आप डालोगे तो एक फॉर्मूला आपको बन जाएगा देखो ये थोड़ा सा लॉजिक है जो लगाना पड़ेगा चीजों को रटने से अच्छा ये दो फॉर्मूले सफिशियंट है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना SI और अमाउंट इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो अमाउंट का एक नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा प्रिंसिपल प्लस पी आर टी अपॉन हंड्रेड क्लियर इन दोनों में प्रिंसिपल अगर मैं कॉमन ले लूं तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा देखिएगा ये फॉर्मूला का प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा वन प्लस आर टी अपॉन हंड्रेड क्लियर है तो ये हमारा अमाउंट है ऐसा हम बोल सकते हैं क्लियर है इस फॉर्मूले का हम बेसिकली यूज करने वाले हैं ठीक है अब कैसे यूज करेंगे उस पर ध्यान देना ये दो चीजें हमें गिवन थी ठीक है तो इसका अभी यहां पे हम यूज कहां करने वाले हैं अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो अमाउंट हमारे पास आ रहा है चालीस हजार रुपए का फोर्टी थाउजेंड इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता ठीक है और वन प्लस R, R हमें नहीं पता बट टाइम हमें लग रहा है दो साल तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि यहां पर अगर आप देखें तो हम यहां पर टू आर लिख सकते टू आर बाय हंड्रेड क्लियर है तो टाइम हमें दिया है दो साल अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान लूं अगर इस पूरी वैल्यू को यहाँ लाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा देखो कैसे सॉल्व होगा ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हंड्रेड प्लस टू आर तो ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस टू आर अपॉन हंड्रेड ऐसे ही होगा और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये फोर्टी थाउजेंड ठीक है मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस टू आर ये आपका प्रिंसिपल हो गया इसी प्रिंसिपल को अगर मैं यहां से पिक करूं और इस केस में डाल दूं देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं तो ब्लू पेन का यहां यूज कर लेता हूं मैं क्या कर रहा हूं वो आपको बताता हूं मैं यहां पर इस चीज को यूज कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन वन को उठाया इस डाटा में जब मैं डालूंगा तो इस केस में भी अमाउंट का फॉर्मूला यही लगेगा सेम फॉर्मूला ठीक है तो अमाउंट हमारा क्या था देखिएगा अमाउंट हमारा क्या था तो अमाउंट इस केस में हमें मिल रहा था फिफ्टी थ्री थाउजेंड डन इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज फोर्टी थाउजेंड इन टू हंड्रेड तो ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड दो जीरो और अपॉन में हंड्रेड प्लस टू आर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस आर टी तो वन प्लस रेट हमें नहीं पता बट टाइम हमें तीन दिया है तो यहां पे ये यह हो जाएगा थ्री आर अपॉन हंड्रेड इस चीज को हम सॉल्व करेंगे हमें आर मिल जाएगा क्लियर है चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड इज इक्वल्स टू चार के बाद पांच जीरो ठीक है अपॉन हंड्रेड प्लस टू आर मल्टीप्लाइड विथ यहां पे ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस थ्री आर अपॉन हंड्रेड ऐसे ही होगा क्लियर और ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए क्लियर अब यहां पे अगर इस फोर थाउजेंड को मैं फिफ्टी थ्री के नीचे ले आऊं तो फिफ्टी थ्री थाउजेंड के नीचे ये आगे, आगे आपका फोर थाउजेंड और इस साइड में देखिएगा ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस थ्री आर अपॉन हंड्रेड प्लस टू आर इस इक्वेशन को अब आपको करना है सॉल्व क्लियर देखिएगा एक ले लेता हूं मैं ब्लैंक शीट यहां पर तो ब्लैंक शीट लेने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ प्लस का साइन चलिए तो फाइनली ये शीट हमने एक एक्स्ट्रा शीट ली है यहां पे ध्यान देना हमारे पास क्या इक्वेशन थी तो हमारे पास था 53 थ्री अपॉन फोर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिफ्टी थ्री अपॉन फोर इज इक्वल्स टू हंड्रेड ऊपर भी था और हंड्रेड नीचे भी था ये प्लस था ये प्लस था नीचे टू आर था ऊपर थ्री आर था क्लियर है यही था ये तीन जीरो से ये तीन जीरो कट गए तो इसलिए फिफ्टी थ्री बाय फोर लिखा है उस शीट के ऊपर मैंने चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड प्लस टू आर क्वल टू फोर मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड प्लस थ्री आर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी थ्री डबल जीरो प्लस टू इंटू थ्री इज सिक्स टू इंटू फाइव इज टेन आर विच इज इक्वल टू फोर हंड्रेड प्लस ट्वेल्व आर क्लियर अब फाइव थ्री डबल जीरो में से आप माइनस कर दीजिए चार सौ को और बारह आर ठीक है तो यहाँ पे जो ये आपका ट्वेल्व आर है ये एक सौ छ आर वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन जीरो देखते हैं कुछ कहीं पे मिस्टेक हुई है लगता है तो तेरह में से चार गए थर्टीन में से फोर गए तो थर्टीन में से फोर गए ये बचेगा नाइन ठीक है टू नाइन डबल जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस में आंसर आ रहा है हमारा आर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो देख लेते हैं हमने कहाँ गलती की देखो प्रिंसिपल मुझे पी दिया था सम ऑफ मनी बिकम्स फोर्टी थाउजेंड वो फोर्टी थाउजेंड बन जाती है दो साल के अंदर और फिफ्टी थ्री थाउजेंड बन जाती है तीन साल के अंदर फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ परसेंट पर ईयर हर साल का तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला उठाइए वो फॉर्मूला यहाँ पे डाला तो हमारा अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल कॉमन वन प्लस आर टी अपॉन हंड्रेड यहाँ तक हमारी चीजें सही हैं फिर इसके बाद फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट प्रिंसिपल वन प्लस टू आर तो टू आर बाय हंड्रेड ठीक है तो so, ये हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड विथ तो यहाँ पे थे चार ज़ीरो और दो ज़ीरो तो so, छः ज़ीरो आने चाहिए थे हम पाँच जीरो लेके काम कर रहे हैं यहाँ हमसे गलती हुई है देखिएगा यहाँ पे आएंगे फाइव जीरोज़ तो so, ये हमारे फाइव ज़ीरोज़ तीन सॉरी सिक्स ज़ीरोज आएंगे दो दो चार पाँच छः तो so, छः ज़ीरोज़ यहाँ पे भी ये छः ज़ीरोज़ तो यहाँ पे हमारा बचेगा फोर्टी थाउजेंड और ये हमारा आएगा फोर्टी थाउजेंड बचेगा तो तीन जीरो फिफ्टी थ्री बाय फोर्टी आ रहा है यहाँ पे तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे आ रहा है फिफ्टी थ्री बाय फोर्टी ये फोर्टी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर चलिए तो ये हो जाएगा फोर थाउजेंड और ये हो जाएगा वन ट्वेंटी आर क्लियर देखिएगा फिफ्टी थ्री हंड्रेड ठीक है माइनस फोर थाउजेंड ये यहाँ पर हो जाएगा फोर थाउजेंड क्वल टू वन ट्वेंटी आर यह है वन ट्वेंटी आर माइनस वन जीरो सिक्स आर चलिए तो फिफ्टी थ्री हंड्रेड में से फोर थाउजेंड अगर माइनस हुआ तो यह आ जाएगा तेरह सो विच इज इक्वल टू एक सो बीस में से एक सौ छह गए तो यह आ जाएगा आपका दस में से छह गए चार और फोर्टीन आर डन और तेरह सो डिवाइडेड विथ फोर्टीन ये हमारा रेट निकल के आएगा तो देखो टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू सिक्स ट्वेल्व टू फाइव टाइम्स टेन एंड जीरो और सिक्सटी फाइव सेवन से होगा तो यहाँ पे सेवन नाइन टाइम्स होता है सिक्सटी थ्री बच्चा ट्वेंटी सेवन टू टाइम्स फोर्टीन तो यहाँ पर हो यह होगा ट्वेंटी uh, में से फोर्टीन गए बच्चे सिक्स पॉइंट जीरो सिक्सटी सेवन एट टाइम्स इज फिफ्टी सिक्स रेट जो हमें मिल रहा है वो है नाइंटी टू पॉइंट एट परसेंट के अप्रोक्सीमेट क्लियर है अब हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे इसको देखो ये था P इक्वल्स टू तो P इक्वल्स टू क्या है फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड ये था फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस टू आर तो हंड्रेड प्लस टू मल्टीप्लाइड विथ आर है नाइन्टी टू पॉइंट एट तो कर देते हैं नाइन्टी टू पॉइंट एट के साथ मल्टीप्लाई तो so, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड क्लियर और दो जीरोज और अपॉन हंड्रेड प्लस टू इंटू एट एज सिक्सटीन सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन फाइव और टू इंटू नाइन इज एटीन तो वन एट्टी फाइव पॉइंट सिक्स और यहाँ पे ये आ जाएगा फोर सिक्स जीरो अपॉन हंड्रेड प्लस दिस तो टू एट्टी फाइव या मैं बोल देता हूँ टू एट्टी सिक्स 285 ले लेते हैं एक रफ फिगर निकल के आ जाएगा ठीक है तो 285 ले लेते हैं और यहाँ पर पांच से डिवाइड कर देते हैं तो फाइव फाइव टाइम्स इज ट्वेंटी बच्चा थर्टी फाइव फाइव सेवन इज थर्टी फाइव फाइव एट टाइम्स इज फोर्टी और पाँच तो तीन और चार पांच पांच जीरोस 57 से इसको डिवाइड करना है तो 57 टू टाइम्स हो जाएगी बड़ी वैल्यू तो 57 सेवन वन टाइम्स इज़ फिफ्टी और 80 में से 57 गए तो यहाँ पे देखिएगा ये हमें बेसिकली डिवाइड करना था तीन चार पाँच को 57 से तो 57 सेवन वन टाइम्स इज़ फिफ्टी सेवन दस में से सात गए तीन और सात में से पाँच गए दो और ये एक जीरो दो सौ तीस और 57 सेवन टू टाइम्स होता है 14 फाइव इंटू सेवन टू इंटू सेवन इज फोर्टीन टू इंटू फाइव इज टेन एंड एक एक्सो फोर्टीन फिफ्टी सेवन थ्री टाइम्स होता है थ्री इंटू सेवन इज़ ट्वेंटी वन थ्री इंटू फाइव इज़ फिफ्टीन सिक्सटीन इज सेवनटीन ठीक है फिफ्टी सेवन फोर टाइम्स फोर इंटू सेवन इज़ ट्वेंटी एट फाइव इंटू फोर इज़ ट्वेंटी और ट्वेंटी टू तो ये वैल्यू हम ले, ले लेते हैं ये आ जाएगी टू टू एट क्लियर फोर टाइम्स तो ये आ गई हमारी दस में से आठ गए दो और यहाँ पे ये ज़ीरो उतर आया ट्वेंटी क्लियर तो ये ज़ीरो यहाँ उतरा और ये ज़ीरो यहाँ उतरा ट्वेंटी एक ज़ीरो और लगाया तो ये आ गया ट्वेंटी और ये वाला ज़ीरो उतर आएगा तो टू हंड्रेड और टू हंड्रेड के लिए हम करेंगे थ्री टाइम्स तो ये आ जाएगा आपका वन सेवेंटी वन तो यहाँ पे दस में से एक गए नौ नौ में से सात गए दो और ये आ जाएगा ट्वेंटी नाइन और एक ज़ीरो और दो सौ नब्बे 290 मतलब 57 अगर इंटू फाइव करते हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है हम फोर टाइम्स ही ले लेंगे तो देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट समझ आ रहा है मुझे वो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट हमें समझ आ रहा है फोर्टीन जीरो थ्री फोर पॉइंट समथिंग ठीक है तो ये मैं बोल बोल देता हूँ अप्रोक्स इतना प्रिंसिपल उसने डिपॉजिट किया होगा ये आंसर रुपीज़ में देना जरूरी है किस में रुपीज में क्योंकि प्रिंसिपल रूपीज में उसने फोर्टीन थाउजेंड थर्टी फोर रुपीज को डिपॉजिट किया होगा वही पैसा इसका फोर्टी थाउजेंड और फिफ्टी थ्री थाउजेंड बन गया क्योंकि रेट ऑफ परसेंटेज हाई था क्लियर चलिए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हम कर देते हैं क्लियर यहां से भी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन को कर देते हैं क्लियर लास्ट टू क्वेश्चन अब हमारे पास बच रहे हैं और पूरा मेरे ख्याल से फिफ्टी मिनट्स अभी हमारे पास और हैं तो तीन घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं देखिएगा सवाल है तीन बाय पांच ब्रैकेट में सेवन एक्स प्लस टू माइनस इस ब्रैकेट में है थ्री एक्स माइनस टू माइनस एक्स अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर बाय फाइव बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट्स ओपन करिए तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो यह हो जाएगा थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन एक्स अपॉन फाइव प्लस ये हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस एक्स बाय टू क्लियर है तो यहां पे आपने माइनस इंटू माइनस इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है टू माइनस एक्स बाय टू क्लियर तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा विच इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर बाय फाइव अब जहां जहां वेरिएबल्स हैं उन सबको एक साइड पे कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा टू बाई टू माइनस एक्स बाई टू तो टू बाई टू का आंसर है वन ठीक है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस टू बाई टू इज वन ठीक है फिर यहाँ पे था ये माइनस एक्स बाई टू तो माइनस माइनस तो प्लस हो चुका था तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू इस तरीके से सॉल्व होगा क्लियर है तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये पूरा एक्चुअली एक अंदर फ्रैक्शन था ठीक है तो ये ऐसा आप कर लीजिए समझ लीजिए कि वन माइनस एक्स बाय टू तो वन माइनस एक्स बाय टू माइनस वन ठीक है माइनस वन और प्लस एक्स बाय टू इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे सॉल्व होगा ये पूरा एक्स वाले सारे रीअरेंज कर लेते हैं तो ट्वेंटी वन एक्स अपॉन फाइव माइनस थ्री एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स बाय टू भी है ये वाला एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स विच इज इक्वल टू फोर बाय फाइव इधर ही रहेगा सारे कांस्टेंट इधर ले जाते हैं तो माइनस सिक्स बाय फाइव ठीक है और माइनस वन ये माइनस वन यहाँ पर इस तरीके से सारे वेरिएबल एक साइड पे फ्रैक्शन कांस्टेंट वाले जो हैं वो एक साइड पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा टेन फाइव के टेबल में टेन आता है टू टाइम्स तो टू वन टाइम्स टू फोर टाइम्स फोर्टी टू एक्स माइनस थर्टी एक्स इसके नीचे वन होगा ठीक है इसके नीचे भी वन होगा तो ये आ जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स विच इज इक्वल्स टू यहां पर एलसीएम आएगा फाइव फोर माइनस सिक्स माइनस फाइव ऐसे ये चीज आएगी इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे फोर्टी टू में से थर्टी गए तो बच्चे ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स पॉजिटिव है ट्वेल्व एक्स में से फाइव एक्स गए तो ये बच्चा सेवन एक्स

ये टेन उधर जाएगा ऊपर और ये जो माइनस थ्री है ये नीचे आ जाएगा यहां पर तो माइनस से माइनस सॉल्व हो गया फाइव से टेन गया टू टाइम्स और कुछ नहीं कट रहा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर्टीन बाई थ्री ये है आपकी पॉजिटिव वैल्यू एक्स की क्लियर है तो कैसे चीजों को सॉल्व करना था ये आपने सॉल्व कर दिया फाइव मार्क्स का क्वेश्चन था अच्छा सवाल था इस तरह के सवाल आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनको गलत करके आते हैं ठीक है आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है फिर रीअरेंज करना है और फिर चीजों को सॉल्व करना है वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड हो गए टोटल 28 क्वेश्चंस फाइनली लास्ट सवाल क्या कह रहा है तो लास्ट सवाल को देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है अभिनव ओन अ प्लॉट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप अभिनव के पास एक प्लॉट है जिसका शेप कैसा है रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगल मतलब एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी ठीक है ही वॉन्ट टू डिवाइड दिस प्लॉट इक्वली बिटवीन हिज डॉटर एंड सन वो ये प्लॉट बांटना चाह रहा है डॉटर और सन के बीच में आफ्टर अभिनव मेजरमेंट ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्लॉट इन इक्वल रेशियो उन्होंने क्या किया प्लॉट को बांट दिया और कोई कहानी नहीं दी है ठीक है इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज एट फोर्टी मीटर अब वो कह रहा है अगर इस प्लॉट का पेरीमीटर में देखू तो पैरिमीटर ऑफ प्लॉट हमें गिवेन है कितना गिवन है तो पेरिमीटर ऑफ प्लॉट मुझे 840 मीटर गिवन है ठीक है आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया है एंड इट्स लेंथ एक्ससीड्स द ब्रेथ बाय 5 मीटर उसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से पांच मीटर ज्यादा है जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से पांच मीटर ज्यादा है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एंड फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट व्हाट वैल्यू डिपिक्ट हियर तो आपको कुल मिला के इस रेक्टेंगल जो प्लॉट था अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही कहानी सिर्फ प्लॉट की दी है जान के आपको ये डाटा बड़ा देके डराया जाता है है ठीक आपको डरना नहीं है तो जो है है उसको लिख लिख लेना ये आपने लिख लिया ठीक यही गिवन था अब आपको क्या करना है तो आपको जैसा कि पेरीमीटर के बारे में पता है एज वी नो अबाउट द पेरीमीटर मैं लिख देता हूं एज वी नो जैसा कि हमें पता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है ये होता है टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ये हमें पता है ये फॉर्मूला आपको लिखकर आना है क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं अब वहां पे क्या कह रहा है कि मुझे ब्रेथ तो नहीं पता तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट ब्रेथ ऑफ लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स हम इसको एक्स मान लेते हैं क्योंकि यूनिट मीटर में चल रही तो X है तो एक्स मीटर बोल देते हैं ठीक है देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी तो लेंथ ऑफ़ रेक्टेंगल क्या होगा तो लेंथ ऑफ़ यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस फाइव मीटर आपको ये चीज समझ आ रही है ठीक है तो इसका मतलब अगर आपको पेरीमीटर पता है तो पैरीमीटर आपको दिया एट फोर्टी तो दिए फोर एरिया ऑफ प्लॉट सॉरी पैरीमीटर ऑफ प्लॉट सबसे पहले तो पैरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ है आपकी एक्स प्लस ब्रेथ ब्रेथ है आपकी कितनी तो ब्रेथ है एक्स ठीक है लेंथ है आपकी एक्स प्लस फाइव तो एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव बेसिकली यहाँ होना चाहिए यही होना चाहिए तो पैरिमीटर आपको दिया 840, 840 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x एक्स प्लस फाइव डन 2 से ये 840 छोटा कर लो तो ये हो जाएगा 2 फोर टाइम्स एट टू टू टाइम्स फोर जीरो माइनस फाइव इज इक्वल टू टू तो ये वैल्यू आएगी आपकी 415 हंड्रेड एंड फिफ्टीन अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स तो फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी टू टू टाइम्स इज फोर जीरो टू सेवन टाइम्स फोर्टीन पॉइंट फाइव मीटर एक्स क्या था तो so, एक्स आपने लिया था किसको x एक्स आपने लिया था ब्रेथ को तो देअर फोर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वॉट तो इट इज टू जीरो सेवन पॉइंट फाइव मीटर क्लियर है लेंथ क्या होगी देगी लेंथ क्या हो जाएगी तो लेंथ हो जाएगी आपकी 207.5 में आप ऐड कर दीजिए पाँच और तो ये ऐड करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.5 ठीक है और सात प्लस पाँच कितना होता है तो ये होता है दस ग्यारह बारह बारह का दो कैरिवन दो सौ बारह पॉइंट फाइव मीटर ये आपकी लेंथ है उठा के हम इसको डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर ये हमारी लेंथ आ गई है ये हमारी ब्रेथ आ गई है चलिए तो यहां पर एक काम करते हैं ये था हमारा मीटर्स में ठीक है इसको बॉक्स में डाल देते हैं 2.07.5 मीटर ठीक है अब हमें क्या निकालना था तो हमें बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट देयरफॉर एरिया कितना होगा तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला जो लिख कर आनाथ इंटू ब्रेथ ये तो हमारा आ गया कितना तो लेंथ हमारी 212.5 ब्रेथ कितनी है हमारी तो वो है 207.5 मीटर देख रहे हैं आप तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो मीटर स्क्वायर में आएगा क्लियर तो ऐसे चीजों को आपको करना था सॉल्व कितना आंसर आएगा तो इसको अब आप सॉल्व करिए मुझे आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में डन तो यहां पे कैसे सेक्शन डी को सॉल्व करना था ये भी हमने कर लिया है क्लियर टोटल ट्वेंटी एटी मार्क्स के सॉल्व कर दिए क्लियर तो बोर्ड कर देते हैं क्लियर और आपको ये बताते हैं कि अकेला मैग्नेट मैग्ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है कंप्लीट मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और आप मॉक टेस्ट पेपर सैंपल देख रहे थे क्लियर है इसी तरह के अगर मॉक टेस्ट आपको हार्ड कॉपी के रूप में या मैं कहूँ ई बुक के रूप में चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक फॉर्म उस फॉर्म को फिलअप करिए मैग्नेबीन्स की पूरी टीम आपके आएगी टच में और आपको जल्दी से जल्दी ये बुक्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वो भी सिर्फ ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू ट्विटर के थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू क्लियर है किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बाय एंड टेक केयर